नमस्कार नमस्कार नमस्कार, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नरेश उपाध्याय। चलिए बात करते हैं आज के अपने इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर की। डेफिनेटली आपका इधर भी ध्यान जा ही रहेगा, नाउन जेंडर एंड केस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने अपने। सिर्फ बात नाउन जेंडर और केस की नहीं करने वाले, कई सारे फॉर्मेट आज आपने सीखने हैं। नाउन से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, जेंडर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, केस क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर प्रोनाउन एडजेक्टिव्स, हर एक पर्टिकुलर पार्ट को इस बिहाफ पे करना है कि आपके एग्जाम में कैसा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अब देखो सिर्फ बेसिक सी एक बात है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, डीएल साहब को, शेखर साहब को, दीपक जी को, रुपेंद्र जी को, ठीक है ना, काजल जी को, हिमानी जी को, टारगेट आरआरबी जेई 2022, इन्होंने अपना नाम इतना लंबा चौड़ा रख रखा है, ठीक है ना। कई कह रहे हैं सर खाना खा रहे, खाने का टाइम ही नहीं है दोस्ती है, ठीक है ना। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। अब पूरा फोकस लेक्चर की तरफ करते हैं, अटेंटिविटी रखना भाई। सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैगी जी को भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार है। अब पूरा लेक्चर की तरफ अटेंशन रखनी है, अपना उन्हें तरीके से बातों को समझते चले जाना है। देखो बात यह है कि आपके इंजीनियरिंग सेक्शन में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं खुद आपके लिए हाईलाइट करूंगा कि ये बात आपको कंफर्म पता रहनी चाहिए। जो बात इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसे मैं खुद कह सकता हूं आपके लिए कि इस पे अगर आपका एक बार ध्यान ना भी जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने देखा है पूरा, मैंने पहले खुद ने गो थ्रू मैंने किया है कि कैसे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सेक्शन में पूछे जा रहे हैं, क्या उनकी फॉर्मेशन बन सकती है, क्या पैटर्न उसने फॉलो करा हुआ है। तो बात आज अपने करने वाले नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, फिर अपनी वर्ड मीनिंग की जो सीरीज है वो है ही। तो बस आपकी अटेंटिविटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरा अटेंशन रखना, तरीके से समझते चले जाते हैं। सभी को नमस्कार भाई, दुर्गेश जी, ठीक है ना, डिंकी जी हैं, सौरभ जी हैं, आशीष जी हैं, शांति जी, अंकित जी, दिव्यांश जी, सभी को नमस्कार। अब सबको नमस्कार हो गया मेरी तरफ से। अब क्वेश्चन पे आता हूं। पहला क्वेश्चन जो अपने पास है, अब सुनो, क्वेश्चन की फॉर्मेशन मैंने थोड़ी डिफरेंट रखने की कोशिश करी है यहाँ पे आपके लिए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अपने पास चार ऑप्शन हो, तरीके से बस पैटर्न समझते चले जाना है ताकि आपको बात समझ में आए कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है हर तरीके से, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जिनके जो इंजीनियरिंग सेक्शन के साथी नहीं हैं उनको भी काम तो डेफिनेटली सारी बातें आने वाली है। पार्ट तो आप नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का सीखेंगे, साथ में नाउन में तीन पार्ट कवर करने वाला हूं, नाउन, जेंडर और केस, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, यहां नाउन, जेंडर और केस के बारे में अपने सबसे पहले बात करते हैं। और एक बात आपने ध्यान रखना है कि अपने को पता करना है कि राइट है या रॉन्ग है, कि जो भी क्वेश्चन अपने सामने है वो राइट है या रॉन्ग की फॉर्मेशन है। आपने पीछे क्वेश्चन का नंबर मैं लगा देता हूं, 1, 2, 3 और 4 और 5, ये क्वेश्चन के नंबर मैंने अटैच कर दिए। आपने बस ये बताते चले जाना है कि क्वेश्चन जो अपने सामने पर्टिकुलर आ रहा है वो सही है या गलत है, ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको बताते चले जाना है। तो अब सारे साथी यहां पे पूरी पूरी फोकस कर लो भाई, पूरा फोकस यहां पे ले आओ और अपने क्वेश्चन के आंसर देना शुरू कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन अपने पास, और बता दो भैया आपका आंसर सही है कि गलत है, ये जो लिखा हुआ है सही है या नहीं है, तुरंत बता दो क्या फॉर्मेशन बनती है क्या नहीं बनती। देखो सीधी सी बात है, समझते चले जाना हर एक बात को। गुलिवर्स ट्रेवल्स, दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से, सभी को बता देता हूं। सारी पीडीएफ मिलती है भी आपको टेलीग्राम चैनल जो है उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का, उस पर डेफिनेटली आपको टेलीग्राम जो चैनल है उस पर पीडीएफ मिलती है, वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। कई बातें मैं आपसे बोलता ही हूं कि लिखा ही करो आप, ठीक है ना। फर्स्ट कई साथी कह रहे हैं कि रॉन्ग है भाई, कईयों ने कहा है कि फर्स्ट रॉन्ग है, चेक कर लेते हैं वाकई में रॉन्ग है कि नहीं है। गुलिवर्स ट्रेवल्स वॉज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, आपसे बेसिकली नाम कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो अपने आप में एक बुक का नाम है, नोवेल है, ये अपने आप में एक नोवेल का नाम है, और ट्रेवल्स में ट्रेवल में ऐसा लगा हुआ ही है, किसी किताब के नाम के साथ। बेसिकली आपने ये बात ध्यान रखनी, किसी भी बुक के नाम के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगी। वर्ब कैसी फॉर्मेशन में आएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगी, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस एकदम ओके है, ध्यान रखिएगा। अब सुनो दूसरा क्या क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक दूसरी फॉर्मेशन और पूछ सकता है क्वेश्चन की। सभी साथी बड़े तरीके से ध्यान देना इस बात पे कि गुलिवर्स ट्रेवल्स, कल को अगर वो ये गड़बड़ कर दे कि गुलिवर के ऊपर जो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा हुआ है ना, गुलिवर ट्रेवल्स करके दे दे, वो ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, ऐसी बेसिकली नहीं बता रहा आपसे, गुलिवर के ऊपर से अपोस्ट्रोफी ऐसे हटा देगा, किताब का नाम ही गुलिवर्स ट्रेवल्स था, या फिर ट्रेवल के आगे से ऐसे हटा देगा, ध्यान रखना किताब का नाम थोड़ी बदल देंगे आप और मैं। अब कई ये सोचेंगे यार कैसे, तो कोई भी पूछा सकता है, ध्यान रखना दुनिया की हर वो एक चीज जिसका कुछ नाम है वो क्या है, दुनिया की हर वो एक चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन है, याद रख लोगे। अब सुनो गुलिवर ट्रेवल्स, आपने चलो देख लिया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इग्निटेड माइंड करके एक बुक लिखी, इग्निटेड माइंड्स, वो माइंड्स में आगे ऐसे लगा रखा था उन्होंने, उस वर्ब के, उस पर्टिकुलर बुक का नाम है ना सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब भी कैसी आनी थी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आनी चाहिए। यहां पे गुलिवर ट्रेवल्स है ही किताब का नाम, तो उसके बाद वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगी।
लगभग लगभग साथियों के ओके जा रहे हैं कि राइट है सर। और देख लेते दूसरा क्वेश्चन, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वॉटरलू। याद रखना गुलिवर ट्रेवल जो था ना वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन था। कौन सी फॉर्मेशन थी? प्रॉपर नाउन की फॉर्मेशन थी। बुक्स के नाम जो रहते हैं वर्ब इनके बाद सिंगुलर आती है, ठीक किया आपने। दूसरा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वॉटरलू, फ्रेंच आर्मी को हराया गया कहां पर? वॉटरलू में वो हारी भाई, ठीक है ना। बताओ क्या फॉर्मेशन है? कई साथी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आवाज भाई इधर से तो आ रही है, आप अब चेक करो। द फ्रेंच आर्मी वॉज, देखो फ्रेंच आर्मी है एक यूनिट के तौर पर बात हो रही है। फ्रेंच आर्मी अपने आप में कैसी फॉर्मेशन में? यूनिट के तौर पे है, और यूनिट के तौर पर है तो वर्ब जो इसके बाद आएगी वो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर ही वर्ब आएगी, एकदम ओके था। आई बात समझ में? तो द फ्रेंच आर्मी एक यूनिट के तौर पे बात हो रही है, और यूनिट के बाद जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्मेशन में आएगी? सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगी, ठीक है ना। आर्मीज नहीं होना चाहिए भाई, द फ्रेंच आर्मीज। याद रखे आर्मी सेना, इंडियन आर्मी होता है कि इंडियन आर्मीज होता है? बस फ्रेंच को साइड में रखो, इंडियन पे आ जाओ। इंडियन आर्मी होता है या इंडियन आर्मीज होता है, यहीं से रिलेट कर लो। इंडियन आर्मी एक यूनिट है, यूनिट के तौर पे बात हुई तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्मेशन में आएगी। नेक्स्ट पे चल देते हैं भाई। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, ये गजब सेंटेंस है। ये कौन से पार्ट का सेंटेंस बनता है? ये जेंडर पार्ट का सेंटेंस है। इसके लिए मैंने कुछ बातें आपके लिए नोट डाउन करी है ताकि आप तुरंत समझे। सुनो, द सन शेड्स, सूरज जो है वो शेड्स करता, बिखेरता है हिज बीम्स, अपनी किरणें, ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, गरीब पर और अमीर पर, अमीर और गरीब पर एक समान। सूरज की रोशनी अमीर और गरीब चाहे कोई भी हो उस पर एक समान ही पड़ती है भाई। अब सुनो, आपको यहां पे एक बात सीख लेनी चाहिए, वो मैंने आपके लिए यहां पे नोट डाउन करी है। इधर देखो आप, मैस्कुलाइन जेंडर, इस बात पे थोड़ा सा नजर डाल लो, आप बात सारी क्लियर हो जाएगी आपको। मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? सन समर विंटर डेथ। मैस्कुलाइन का मतलब क्या होता है? पुलिंग। और एक होता है अपने पास फेमिनाइन जेंडर, जिसका मतलब क्या हुआ? स्त्रीलिंग। तो बेसिकली ये जेंडर के बारे में आप छोटी सी एक बात सीख लो, आपके हमेशा काम आने वाली है। वो ये कहता है कि जो पुलिंग होते हैं इनका नेचर अगर अग्रेसिव हो, अगर अग्रेसिव नेचर हो, हार्श हो, कठोर हो, तो ऐसी फॉर्मेशन, जो नाउन जिसका नेचर अग्रेसिव हो, कठोर हो, ऐसी फॉर्मेशन, ये हमेशा फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर में जाएंगे। और जिनका नेचर थोड़ा सूदिंग हो, ठीक है ना, नेचर में कामनेस दिखे, शांति दिखे थोड़ी सी, ठीक है ना, कूलनेस दिखे, ऐसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन जो होती है वो फेमिनाइन जेंडर में जाती है। अब आपके बात समझ में आई? अब एक बात सोचते हैं अपने, इसने लिखा सन समर विंटर और डेथ। सन हुआ सूरज, समर विंटर सर्दी, डेथ, इन सब के नेचर जो है वो कैसे माने गए हैं? कहीं ना कहीं इनका कूलिंग इंपैक्ट नहीं है, इनमें हार्शनेस शो करी गई है। अब कहीं सोचेंगे सर सर्दी, सर्दी तो ठीक रहती है, आपने बोलते भी ऐसा ना, सर्दी पड़ती है ता हैती है वाली अगर फॉर्मेशन में चले जाए। ध्यान रखिएगा इंग्लिश जो है वो अंग्रेजों ने बनाई है। आज हिंदी दिवस भी, अभी सभी साथियों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इंजीनियर्स डे भी आने वाला है आपका, ठीक है ना, जो साथी इंजीनियरिंग के जुड़े उनको भी बता दूं। विंटर जो है, विंटर का नेचर जो है बेसिकली है ना नेगेटिव इंपैक्ट माना गया। नेगेटिव इंपैक्ट क्यों माना गया? वजह यह है कि बेसिकली बाहर देशों में सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं, उनके डे टू डे जो काम होते हैं, जो डे टू डे रूटीन जो उनकी लाइफ होती है ना, वो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहती है सर्दी की वजह से, विंटर की वजह से। इसलिए इसको मैस्कुलाइन जेंडर में रखा गया, हमेशा ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो चंदा मामी, मैंने कहा था ना आपसे, तो जो चंदा है वो मामी की फॉर्मेशन में जा रहा है। जैसे चंदा मामा नहीं होता, ऐसे देख लो आप फेमिनाइन जेंडर में, मून चंदा मामा नहीं बोलते चंदा, ध्यान रखिएगा। चांद जो है वो इंग्लिश में आती मामी बन गया, चंदा मामा बोलते हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में आती। मून का जो इंपैक्ट रहता है वो कूलिंग रहता है, चांद जो है इसका इंपैक्ट रहता है कूलिंग इंपैक्ट रहता है, कामनेस, शांति। तो ये कौन से जेंडर में गया? स्त्रीलिंग में। बेसिकली माना गया है कि जो शांत होगा, कूलिंग होगा, कामनेस होगी, ये फेमिनाइन जेंडर में जाते हैं। अर्थ धरती, धरती हमारी माँ है तो नाम में ही माँ लिखा हुआ है। स्प्रिंग ऑटम नेचर लिबर्टी जस्टिस मर्सी दया होप चैरिटी, ये सब कौन सी फॉर्मेशन में जाते हैं? ये फेमिनाइन जेंडर में जाते हैं। बात बड़ी खास आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। ये बात आपको समझ में आएगी ना, तभी आप इन क्वेश्चंस का सही तरीके से आंसर दे पाओगे। खुद चेक कर लो आप। द सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, एक बात है यहां पर, द सन शेड्स हिज, ये हिज जो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर पेपर के अंदर आपको ध्यान रखिएगा, इट्स लगाकर देगा। क्या लगाकर देगा? इट्स लगाकर देगा जो गलती होगी, याद रखिएगा, और अपने को ठीक और लगेगा, क्योंकि एक जो सन है वो अपने आप में कौन सी फॉर्मेशन में जा रहा है? फेमिनाइन में या मैस्कुलाइन में? मैस्कुलाइन में, और मैस्कुलाइन का मतलब वो ही, तो द सन शेड्स इट्स नहीं होगा, हिज होगा, और एकदम ओके है। द हैव्स रिच पीपल हैव नोट्स पुअर पीपल, एकदम ओके लिख रहे हो भाई, बिल्कुल भाई।
अब सुनो नेक्स्ट, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। प्लेइंग अपने आप में कैसी फॉर्मेशन है? जिरंड की फॉर्मेशन। प्लेइंग जो है वो जिरंड का काम कर रहा है। जिरंड की फॉर्मेशन में है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर ही जाएगी। प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर यहीं पर मैं पैटर्न ऐसा बना देता ना, प्लेइंग मान लीजिए अगर आप ये बनाते स्लीपिंग एंड प्लेइंग, सोना और खेलना दोनों स्वास्थ्य के लिए ठीक है, सही समय पर सोना और खेलना दोनों स्वास्थ्य के लिए ठीक है, तो फिर वर्ब आगे प्लूरल फॉर्मेशन में भी जा सकती थी। सभी को हिंदी दिवस के ढेरों शुभकामनाएं, जितने भी साथी आप जुड़े हुए। बात को तरीके से समझते चले जाना, वर्ब का पैटर्न है, सेंटेंस में कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो इज लिखा हुआ एकदम ओके है। छोटी छोटी बातें बेसिक तरीके से आप सीखते चले जाओ, पता नहीं क्या क्वेश्चन कैसी फॉर्मेट में पूछ लिया जाए। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, जो चांद हैज हिडन छुपा चुका है हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड, एक बादल के पीछे अपना चेहरा। याद रखना हर जो यहाँ पे एकदम ओके है, क्यों ओके? हिज फेस नहीं होगा एक बात, इट्स फेस नहीं होगा दूसरी बात। जो चेहरा है वो जो मून है वो अपना चेहरा छुपा चुका है। भाई सीधी सी बात है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन आप समझ सकते हो तो आपकी बात सारी समझ में आ गई होगी। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बिल्कुल भाई। स्मोकिंग कैसी फॉर्मेशन बन रही है? जिरंड की फॉर्मेशन। और ये जिरंड जितने भी होते हैं ये सब के सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर फॉर्मेशन में जाती, सीधी सी बात है। आगे आपके सारी बातें समझ में, नेक्स्ट में चला जाता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं। स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ओवर ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, बता दो भाई। देखो अब तक अपनों ने पीछे क्वेश्चन करे वो तो पांच नंबर था, ये मैं सिक्स बना देता हूं, ये सेवन बना देता हूं। बताओ क्या आंसर बनेगा, कैसे बनेगा, तुरंत बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेंटल किसे कहते रहे? ये मेंटल वो पागल वाला नहीं, इस मेंटल का मतलब होता है कवर। कवर को आप क्या कह सकते हो? आवरण। इसे क्या कह सकते हो? आवरण, वेल, ठीक है ना। तो द स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल, बता दो तुरंत आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या फॉर्मेशन है? बोथ आर करेक्ट, बहुत बढ़िया भी, एकदम ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं। हर जो यहां पे लिखा पड़ा एकदम ओके है। स्प्रिंग हैज स्प्रेड, स्प्रिंग ऋतु, जो स्प्रिंग जो ऋतु है, बसंत जो ऋतु है, उसे मैस्कुलाइन जेंडर में माना गया, फेमिनाइन में, फेमिनाइन में हर रहेगा। तो जो स्प्रिंग है स्प्रेड, फैला चुका है हर मेंटल अपना आवरण ऑफ ग्रीन, ग्रीन का मतलब ग्रीन कलर का, हरे रंग का। भी जब अच्छी खासी बारिश होती है, बसंत ऋतु आती है, तो हरे हरी हरियाली छा जाती है ना, वही ओवर द अर्थ, पूरी धरती के ऊपर। द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स आर इंक्रीज एवरी ईयर, एक दिन पहले भी शेयर करा था, आज फिर शेयर कर लेता हूं। देखो वेज, इस वेज का अर्थ, इस वेजेस के दो अर्थ होते हैं भाई, वेजेस की फॉर्मेशन। एक तो वेजेस का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, एक तो होता है रिजल्ट या परिणाम कह सकते हो आप। और एक इसकी फॉर्मेशन आपके सामने ध्यान रखनी है आपने, मैंने बताया भी था एक दिन आपको, वेजेस का एक और दूसरा अर्थ बनता है, वो क्या बनता है भाई? एक तो रिजल्ट परिणाम, और एक वेजेस का अर्थ होता है पेमेंट, मजदूरी भी आप कह सकते हो, पेमेंट मजदूरी। आई बात समझ में? जब इसका अर्थ रिजल्ट निकल कर आ रहा हो तो जो इसके बाद वर्ब होएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में होगी। वर्ब कैसी फॉर्मेशन में जाएगी? सिंगुलर में। लेकिन अगर पेमेंट हो तो फिर वर्ब जो जाएगी वो कौन सी फॉर्मेशन में जाएगी? प्लूरल फॉर्मेशन में जाएगी। आई बात समझ में? द वेजेस ऑफ सिन, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम क्या होता है? मौत होता है। तो यहां पर वेजेस का अर्थ आपके समझ में आ चुका है, क्या फॉर्मेशन है? परिणाम। तो वेजेस ऑफ सिन इज यहां पर एकदम ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं, वर्ब सिंगुलर आएगी, ये बात आपने ध्यान में रख लेनी है। दूसरा यहां देख लो आप, द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स, द वेजेस, यहां पे वेजेस का मतलब क्या है? जो वेजेस है, जो पेमेंट है ऑफ दीज वर्कर्स, इन वर्कर्स की, इन मजदूरों की, आर इंक्रीज्ड एवरी ईयर, प्रत्येक साल बढ़ाई जाती है। ये वेजेस यहां पे परिणाम था या फिर पेमेंट थी? ऑब्वियस सी बात है पेमेंट थी, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए थी, और एकदम ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैंने नोट डाउन भी कर दिया आपके लिए, तरीके से बात को समझ में रखना। नेक्स्ट पार्ट पे चल लेते हैं, ये फेमिनाइन और ये सारे दिमाग में रखिएगा भाई। अब सुनो कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए, हर एक पर्टिकुलर कुछ कुछ बातें हैं जो मैंने आपके लिए नोट डाउन करी है, जो आपको दिमाग में रखनी है। इसने लिखा फर्नीचर, इसने बात जो करी है वो करी है फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर, सीनरी, एडवाइस, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, पॉवर्टी, रबिश, रबिश किसे कहते हैं? कचरे को। वेस्टेज, पोस्टेज, न्यूज, नॉलेज, गार्बेज, गार्बेज क्या होता है? कचरा ही होता है। अकोमोडेशन, आप जितने मेरे साथी अभी पढ़ रहे हो भैया,
सबके सभी इस अकोमोडेशन की स्पेलिंग को दिमाग में फिट कर लो, दो पांच चार बार लिख कर देख लो। अकोमोडेशन की स्पेलिंग मिस स्पेल्ट के लायक है, मैं 500 बार ये बात पहले भी कह चुका हूं और एक बार आज फिर कह लेता हूं। हां बिल्कुल सही कह रहे भाई, कई कह रहे हैं सर स्टूडेंट बहुत कम हो गए, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जितने हैं उतने ही बढ़िया, जिनको सीखना है वो सीखते चले जाएंगे, जिनको नहीं सीखना, जिनको इंग्लिश आती है, जो अंग्रेज बन गए हैं वो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो जो खास बातें वो सारी अपने तो पता कर रहे हैं आप, तो फॉर्मेशन तरीके से समझो। अकोमोडेशन की स्पेलिंग कम से कम 5 बार लिख कर देख लो, किसी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। अकोमोडेशन मिस स्पेल्ट के हिसाब किताब का मामला बनता है। ड्रैपरी किसे बोलते हैं भाई? ड्रैपरी, ड्रैपरी बोलते किसको है? ड्रैपरी जैसे मान लीजिए होता है ड्रैपरी शॉप, मतलब कपड़ों को ही बोलते हैं। ड्रैपरी किसे बोलते हैं? कपड़ों गारमेंट्स को ही बोलते हैं। ड्रैपरी, शुगर, आइस, लिबर्टी, इसने कहा ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल के बाद हमेशा सिंगुलर की वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर फॉर्मेशन बनेगी। सब बातें आप दिमाग में रखिएगा, रिकॉल करते जाइए सब बातों को। आई बात समझ में? इन सबको दिमाग में रखना। अब देखो और क्या कहता है, इसने कहा एयर का एयर्स, यहां देखना एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स का मतलब क्या हुआ? एयर का मतलब हवा, एयर्स का मतलब घमंड, एयर, एयर्स का मतलब घमंड, वाटर का मतलब पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र, आयरन का मतलब लोहा और आइस का मतलब हथकड़ी, पेपर का मतलब कागज और पेपर्स का मतलब दस्तावेज, विश का मतलब इच्छा और विशेष का मतलब विश करने का मतलब आप किसी के लिए कुछ अच्छी विश करते हैं, लेकिन विशेष का मतलब आप किसी को शुभकामनाएं, फॉर्मेशन बनती है। आम का मतलब भुजार, आर्म्स का मतलब हथियार, अमेंड का मतलब सही करना, किसी चीज को सुधारना, लेकिन अमेंड से क्षतिपूर्ति। फिर इसने लिखा अल्फाबेट, वर्णमाला, और अल्फाबेट्स क्या होता है? लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, हर एक को दिमाग में रखिएगा। ये सब के सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे और ये से लगता नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, मेरी तो पूरी कोशिश यही है भाई कि डीडीए जेई के अंदर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी आपको कम से कम इनका थोड़ा बहुत आइडिया रहे तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी फॉर्मेशंस पूछी जाती हैं। सभी साथियों ने अकोमोडेशन की स्पेलिंग लिखी है, बेहतर, बहुत बढ़िया। तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं बेसिकली इनके साथ ऐसे और ये नहीं लगता, लेकिन अगर लग जाए तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते। मैंने लिखा ना मीनिंग चेंज, तो ये जैसे इनके मीनिंग चेंज हुए। एयर का मतलब हवा है, तो एयर्स का मतलब हवाएं नहीं होगा, एयर्स का मतलब घमंड हो जाता है। एक मीनिंग अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था हॉटी, हॉटी का भी मतलब क्या होता है? घमंडी को बोलते हैं। कुछ ध्यान रखना इन सब बातों के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। पैंट्स, जींस, पायजामास, बर्मुडाज, कैप्रीज, चिनोज, टोंक्स, टोंक्स किसे कहते हैं? चिमटा को बोलते हैं। प्लायर्स, प्लास को बोलते हैं। पिनकर्स, संडासी को बोलते हैं। स्लीपर्स, शैम्बल्स, घोटाले को बोलते हैं। ध्यान रखना एक एक मीनिंग यहाँ पे काम का है, सब आपको काम में लाने हैं, सबका कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, हर तरीके से आपके यहाँ परमानेंट रहने चाहिए। गैलोज, फांसी के फंदे को बोलते हैं, ध्यान के, गैलोज फांसी का फंदा। फैंक्स, डंक को बोलते हैं। ट्रूप्स, सेना, ट्रूप्स किसे कहते हैं? सेना को बोलते हैं। एम्बर्स, रात को बोलते हैं। कॉन्डोलेंस, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना आप जितने साथी जुड़े हुए हो, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना, हर हालत में आपको स्पेलिंग। शोक संदेश को बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और देखते हैं भाई, विद रिगार्ड्स, विद रिगार्ड कभी नहीं होता, विद के, विद रिगार्ड के आगे ऐसे लगा ही रहेगा, पेपर में आने लायक चीजें बता रहा हूं। बेलोज, फूंकनी को बोलते हैं। और प्रेमाइसिस, चारों ओर का, प्रेमाइसिस होता है जैसे क्षेत्र, जैसे अभी मैं जाऊं, ये उत्कर्ष का क्षेत्र है, प्रेमाइसिस है, उत्कर्ष के क्षेत्र के अंदर मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसे तरीके से। ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेशन, ये कहता है इनके बाद हमेशा ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेशन आनी चाहिए। ये एक तरीके से मैंने आपको पीडीएफ में मदद करने के लिए, ताकि आपके पास ये पीडीएफ रहेगी तो कम से कम इनको तो याद रख सकते हो। ज्यादा दुनिया की हर वो चीज जिसका कुछ नाम है वो नाउन है, क्या दुनिया भर के सारे नाम याद कर सकते हैं क्या? संभव नहीं है, लेकिन खास खास कुछ बातें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है वो दिमाग में रह सकती है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भाई, कई साथी हैं जो कॉन्डोलेंस की स्पेलिंग उन्होंने लिखी, अच्छी बात है भाई। सुनो ये सारे के सारे ध्यान रखना। पैंट नहीं होता, पैंट्स होता। अपने बोलते हैं ना पैंट का है मेरी, पैंट नहीं, पैंट्स, क्योंकि इनके दो पार्ट्स होते हैं। जीन नहीं होता, जीन्स होता है। पायजामा नहीं होता, पायजामाज होता है। बर्मुडा नहीं होता, बर्मुडाज होता है। निक्कर नहीं होता, निक्कर्स होता है। स्लीपर नहीं होता, स्लीपर्स होता है। ये छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखिएगा। चिनोज, चिनोज भी कपड़े आते हैं ना। टोंक्स, चिमटे को बोलते। अब चिमटा है, उसके भी दो पार्ट रहते हैं ना, हमीद का चिमटा एक स्टोरी हुआ करती थी ना। प्लायर्स, प्लास को बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं। पिनकर, संडासी, संडासी के भी तो दो पार्ट होते हैं। जिन जिन के दो दो पार्ट बने, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने बाद वर्ब कैसे लेकर जाएंगे प्लूरल फॉर्मेशन बाद। अगर आपको मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वेयर इज माई जीन्स या वेयर आर माई जीन्स, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वेयर आर माई जीन्स, इज नहीं, ये हमेशा क्या कहते हैं? ऑलवेज प्लूरल फॉर्मेशन।
वेयर इज माई पैंट्स या वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई पैंट्स, ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, ये पैटर्न बनेगा, इन सबको ध्यान रखना। आई बात समझ में? ऑनलाइन एप्लीकेशन किस में गिने जाएंगे? ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लूरल फॉर्मेशन होती है दोस्त, ठीक है ना, ऐसी फॉर्मेशन बनती है। सबको दिमाग में रखिएगा, हर तरीके से सिंबल्स मीनिंग याद रखना। घोटाले को बोलते हैं आजकल देश में, घोटाले हो भी घूम रहे हैं ना, क्या पता काम आ जाए, गैलोज फांसी के फंदे को बोलते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेशन अब सुनो, ये देख लो, ये समझ लो, न्यूज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, क्रॉस रोड्स चौराहे को बोलते हैं, डायबिटीज, डायबिटीज की स्पेलिंग याद कर लो भाई, जितने भी साथी हो आप डायबिटीज की स्पेलिंग याद कर लो, मिसस्पेल्ड के लायक है डायबिटीज की स्पेलिंग। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने किसी कोई जगह थी वहां पे इंटरव्यू दे रहा था और वहां पे डायबिटीज की स्पेलिंग पूछी गई थी कि डायबिटीज की स्पेलिंग बताइए, और ये मिसस्पेल्ड के लायक है भी वाकई में। जैसे लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं ना, लेफ्टिनेंट होता है, कर्नल होता है, तो कर्नल बोलते हैं इनको। ये कई सारी ऐसी स्पेलिंग्स होती है जो मिसस्पेल्ड में बार बार देखी जाती रहती है। डायबिटीज हो गया, थिक्स हो गया, रिकेट्स सूखे रोग को बोलते हैं, मीजल्स खसरा को, शिंगल्स दाद को, अरेबियन नाइट्स, ये लो किताबकार, ये अरेबियन नाइट्स है जो बुक का नाम है, कई नाइट्स को देखकर प्लूरल मानेंगे, रातें, रातें नहीं, अरेबियन नाइट्स किताब का नाम है, नॉवेल का नाम है, वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। इग्निटेड माइंड्स, मैंने आज ही आपको बताया था, कलाम साहब ने लिखी थी, अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी, तो इस वर्ब के बाद ये क्या बता रहा है, टू स्टेट्स मूवी का नाम है, टू स्टेट्स दो राज्यों की बात नहीं हो रही, टू स्टेट्स एक मूवी का नाम है, थ्री इडियट्स मूवी का नाम है, इन सब के बाद इसने कहा सिंगुलर वर्ब ऑलवेज, इनके बाद बेसिकली सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर आप किसी को बोलो कि थ्री इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, तो आप ये थोड़ी कहोगे थ्री इडियट्स आर, क्योंकि इडियट्स आपको कितने दिखे, तीन, तो थ्री इडियट्स इज वर्ब कैसे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, एक मूवी के बारे में बातचीत चल रही है, वर्ब सिंगुलर आएगी। टू स्टेट्स, टू स्टेट्स मूवी का नाम है, वर्ब सिंगुलर आएगी। इग्निटेड माइंड्स, माइंड्स को नहीं देखना, किताब का नाम है, वर्ब सिंगुलर आएगी। तो दुनिया भर की किताबों के नाम तो अपने याद नहीं कर सकते, एक नाम आज ही सीखा अपनों ने, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में पूछी चली जाती है, तैयार रहिएगा, मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। कई कह रहे एमसीक्यूज कब करेंगे, निश्चिंत रहो भैया, नियति जी शायद मेरे को लगता है आज पहली क्लास है इनकी, जब ये उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि हम एमसीक्यूज कब करेंगे, कमाली बात पूछ ली, एमसीक्यूज अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज ही करवाए और पिछले लेक्चर सब एमसीक्यूज पे ही चल रहे थे अपने, लेकिन आज कुछ बातें हैं जिनको शेयर करना है अपने को, कुछ चीजें सीखनी है। नाउन के अंदर सीधा सीधा आपको एमसीक्यूज की फॉर्मेशन में नहीं, तरीके से याद करने का एक पैटर्न है ये, ठीक है ना, बिल्कुल भाई, तो प्लूरल होगा, ऑब्वियस ही बात है राहुल कुमार जी, थ्री इडियट्स को पर्सन के व्यू में बोला जाएगा तो प्लूरल होगा, टू स्टेट्स को अगर दो राज्यों के बारे में बातचीत चल रही होगी, ऑब्वियस ही बात है वह प्लूरल आएगी। लेकिन हमने पैटर्न देखा ना कि भाई मूवी का नाम भी तो पूछा जा सकता है, क्या पता सेंटेंस में मूवी का पैटर्न चल रहा हो। नेक्स्ट चलते हैं, लो भाई ये क्वेश्चन लो, जिनको क्वेश्चन चाहिए थे, कई कह रहे थे ना जिनको क्वेश्चन चाहिए था, उनके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेशन बना लेते हैं। इससे पहले जो अपनों ने क्वेश्चन करे थे वो सारे के सारे अपने हो गए थे सेवन, इससे आगे बना लेते हैं इन क्वेश्चन को, हर तरीके से ध्यान रखिएगा भैया, 8, 9 और 10 बता दो भी क्या फॉर्मेशन बनेगी। दो दो ऑप्शन है यहां पे आपके पास, बेसिक से बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, द पीपल वेटिंग फॉर द ट्रेन ब्लैंक गेटिंग इंपेशेंट, जो लोग वेटिंग फॉर द ट्रेन, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, ब्लैंक गेटिंग इंपेशेंट, वो इंपेशेंट मतलब धैर्य छूट रहा था भी उनका, तो बता दो क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे क्या पैटर्न बनेगा, तुरंत बता दो फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, वर सीधा सीधा आंसर है, क्या आंसर बन जाएगा, वर गेटिंग इंपेशेंट। पीपल, पीपल कौन सी फॉर्मेशन में है, प्लूरल फॉर्मेशन में, और प्लूरल फॉर्मेशन में है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, सीधी सी बात है। मैथमेटिक्स ब्लैंक हिज वीकेस्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो है उसका वीकेस्ट, सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, क्या बनेगा भाई, तुरंत आंसर दे लो। इज पे गए हैं भाई बहुत सारे साथी, एकदम ओके है भाई, यहां पे वर्ड सही था, यहां पे इज सही था। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का मतलब ये तो मैथमेटिक्स जो है वो है सब्जेक्ट की फॉर्मेशन में, वो तो कौन सी फॉर्मेशन में है, सब्जेक्ट की फॉर्मेशन में, तो वर्ब कैसी गई, सिंगुलर फॉर्मेशन। लेकिन अगर यही मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स का मतलब क्या होता, कैलकुलेशन होता, गणना होता, तो वर्ब इसके बाद कैसी जा सकती थी, प्लूरल फॉर्मेशन में भी जा सकती थी, ध्यान रखिएगा वह प्लूरल फॉर्मेशन में जा सकती थी। योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, तुम्हारी गणना इतनी सही नहीं है, योर मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, मैथमेटिक्स के बाद प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, कब, जब उसका अर्थ गणना कैलकुलेशन से निकल कर आता हो, तब, यहां सब्जेक्ट की बात हो रही थी तो वर्ब सिंगुलर आ गई। देयर ब्लैंक प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द बस लीव्स, बता दो भाई
दे आर, कई देखो दसवें में गलत गए भैया, दे आर आर प्लेंटी ऑफ टाइम, याद रखिएगा टाइम जो दे आर प्लेंटी ऑफ टाइम अपने आप में एक सिंगुलर फॉर्मेशन बन रही है, टाइम जो होता है अनकाउंटेबल की फॉर्मेशन में जाता है, तो देयर के बाद जो वर्ब लगती है वो आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब किताब से लगती है, आगे वाला सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द बस लीव्स, प्रचुर मात्रा में समय है भाई बिफोर द बस लीव्स, बस के जाने से पहले खूब समय पड़ा है, और लगभग साथियों ने देयर के बाद आर लगाया, खेल गए, हुआ कि नहीं हुआ गलत, कितना बेसिक सा क्वेश्चन था लेकिन गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, अब ध्यान रखिएगा देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, There are plenty of time नहीं होता, there is plenty of time, एक यूनिट की फॉर्मेशन में अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्मेशन में वर्ब सिंगुलर आएगी, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए, ये 11th लो और ये 12th लो, बताओ देयर ब्लैंक प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट, ये देखो आप प्लेंटी वाला डाउट क्लियर करने के लिए दूसरा सेंटेंस तैयार है, देयर आर ब्लैंक प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट, देखते हैं किसका क्या आंसर बनता है, कैसे बनता है, बिल्कुल भाई गच्चा खा गए, मुझे पता था खाएंगे, करेंगे कोई ना कोई गलती, तो अब की बार सही गए हैं भैया, देयर आर, यहां क्या लग जाना है इस बार, देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स ऑन दैट सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार प्लेंटी ऑफ बुक्स जो फॉर्मेशन है वो है आपके पास प्लूरल फॉर्मेशन में, और प्लूरल में है तो देयर के बाद आने वाली वर्ब भी कौन सी फॉर्मेशन में जाएगी, प्लूरल में जाएगी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ब्लैंक पास देयर एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला कैंडिडेट्स है, मोस्ट ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन रहता है वो प्लूरल फॉर्मेशन में रहता है, तो फिर वर्ब भी कैसी चली जाएगी, वर्ब भी ऑब्वियस सी बात है भाई प्लूरल ही फॉर्मेशन में रहने वाली है, तो क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल भाई वो काउंटेबल था, बुक्स काउंटेबल था, और ये यहां पर हो गया मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव, सीधी सी बात थी, बढ़िया भाई, नेक्स्ट पे और पैटर्न सीखते हैं, समझते हैं अभी क्या बनेगा कैसे बनेगा, बताओ भाई 13, 14 और 15 बताओ क्या अपना आंसर होगा, कैसे होगा तुरंत बताओ, द फूड वी टुक विद अस ब्लैंक इन सफिशियंट, फूड को पता कर लो बस, तो आप फूड काउंटेबल है क्या है, देखो फूड जो है वो हमेशा ध्यान रखना अनकाउंटेबल फॉर्मेशन में जाता है, अनकाउंटेबल के बाद आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, अनकाउंटेबल नाउन के बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, तो द फूड वी टुक विद अस वाज इनसफिशिएंट या आर, ऑब्वियस ही बात है भाई वाज इनसफिशिएंट, पर्याप्त नहीं था भाई, इनसफिशिएंट था, द ट्राउजर्स ब्लैंक कवर्ड विद मड, ट्राउजर्स पैंट्स पायजामास बर्मुडास कैप्रीज टोंग्स प्लायर्स ये सारे के सारे आज देखे, शैम्बल्स ये सारे अभी सारे आज देखा है आपने सबको, बता दो द ट्राउजर्स के बाद वर्ब कैसी लगानी चाहिए, 13th में तो ठीक था भैया आपका वॉज, 14th में और बता दो मुझे तुरंत प्रभाव से, बहुत बढ़िया भैया वर लग जाएगा, सीधी सी बात है, सीधा सीधा आंसर होगा, ट्राउजर्स प्लूरल फॉर्मेशन में जाएगा, वर आपका आंसर हो जाना है, बढ़िया, द होल हर्ड ऑफ कैटल ब्लैंक टू बी सोल्ड, बताओ द होल हर्ड एक यूनिट के तौर पे एक बात हो रही है, देखो वैसे देखा जाए ना तो कैटल क्या होता है प्लूरल फॉर्मेशन में होता है, लेकिन यहां पे होल हर्ड ने इसको एक यूनिट बना दिया, और यूनिट की फॉर्मेशन में गया तो फिर आगे वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आ जाएगी, वर्ब कैसे आ जाएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में आ जाएगी, तो क्या आंसर लग जाएगा, इज, क्या आंसर बन जाएगा, इज द होल हर्ड ऑफ कैटल इज टू बी सोल्ड, अकेले कैटल को नहीं देखना भैया, कैटल अगर अकेला होता कैटल तो कैटल के बाद एक तो ध्यान रखना कैटल्स नहीं होता, अगर कैटल होता तो डेफिनेटली मार लगाता, लेकिन होल हर्ड पूरे ग्रुप की बात हो गई है, कलेक्टिव फॉर्मेशन बन गई है, तो ऐसी कंडीशन में आगे आने वाली वर्ब भी कौन सी फॉर्मेशन में चली जाएगी, सिंगुलर फॉर्मेशन में चली जाएगी, आंसर ओके था, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, बता दो भैया 16 नंबर 17 नंबर और 18 नंबर बता दो आपका आंसर क्या होगा कैसे होगा, वार्म क्लॉथिंग ब्लैंक नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट्स, बेसिक सी बातें हैं समझ में आ जानी चाहिए आपके, कैप्टन अमेरिका साहब IUCG कहां से, ये जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है दोस्त, तो आए हो हरिभजन को रोटर लगे कपास है, लेक्चर पे ध्यान दो,
बातों पे ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम में ये आएगा, वहां पेपर में ये नहीं आएगा कौन कहां से था कहां से नहीं था। बता दो तुरंत मुझे क्या बनेगा कैसे बनेगा। वार्म क्लॉथिंग, वार्म क्लॉथिंग कैसी फॉर्मेशन है, गर्म कपड़े, आर नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट्स या इज नेसेसरी, तुरंत बता। पीछे प्रश्न का नंबर लगाओ भाई, तभी तो बात समझ में आएगी। बहुत सारे साथी गड़बड़ कर गए भैया, वर्ब आएगी सिंगुलर। वार्म क्लॉथिंग, गर्म कपड़े, वार्म क्लॉथिंग इज नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट्स, यही तो गलतियां करें। अब आप खुद चेक कर लो, देखो आपकी बेसिक गलतियां कितनी हो रही हैं। लगभग दोस्तों के आंसर जो है 16 नंबर क्वेश्चन में, 16th में आर 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 गए, कमाल ही कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब पढ़ने में गलती कर दी आपने, पैटर्न को सही से समझ नहीं पाए। वार्म क्लॉथिंग इज नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वार्म क्लॉथिंग एक यूनिट के तौर पे फॉर्मेशन हो रही है, इज आर नेसेसरी नहीं होगा, गर्म कपड़े, आपने गर्म कपड़े उस फॉर्मेशन में, वार्म क्लॉथिंग ध्यान रखिएगा, इज लगेगा। ऑल द फर्नीचर इन द हाउस, फर्नीचर जो होता है वो हमेशा ही ध्यान रखिएगा भैया, फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन माना जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के बाद आने वाली जो वर्ब रहती है वो कौन सी फॉर्मेशन में रहती है, सिंगुलर फॉर्मेशन में रहेगी, और सिंगुलर में रहेगी तो क्या लग जाना है, इज ओल्ड फैशन्ड, क्या बन जाएगा, इज ओल्ड फैशन्ड, ये आंसर हो जाएगा। 17th में मेरे तो कई दोस्त आर लगाए बैठे हैं, उनको तो सैल्यूट ही है, कमाल की बात कर दी, इससे तो कतई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, ऑल द फर्नीचर, कुर्सी चाहे एक खरीद लो चाहे 70 खरीद लो, फर्नीचर फर्नीचर रहने वाला है, अनकाउंटेबल रहेगा। ऑल द फर्नीचर इन द हाउस इज ओल्ड फैशन्ड, ये फॉर्मेशन बनेगी। 18th और बता दो, मोस्ट ऑफ द लैंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री ब्लैंक अनकल्टिवेटेड, अनुपजाऊ, अनकल्टिवेटेड का मतलब क्या होता है, अनुपजाऊ। मोस्ट ऑफ द लैंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देखो मोस्ट ऑफ द लैंड जो है ये कौन सी फॉर्मेशन में गया है, अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्मेशन में गया है। तो मोस्ट ऑफ द लैंड, अधिकतर जो जमीन है, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के इस जगह पर, इज अनकल्टिवेटेड, ये फॉर्मेशन बन जाएगी, अनुपजाऊ, ये फॉर्मेशन बनेगी। आई बात समझ में, 18th में तो इस पे गए हो, बढ़िया भैया, अगले पे चल लेते हैं, 19 और 20, बताओ क्या पैटर्न बनेगा। ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ब्लैंक लाइंग ऑन द टेबल, बताओ। बेसिकली स्पेक्टेकल्स के बाद वर्ब जो अपने प्लूरल लगाते, लेकिन ए पेयर लगते एक जोड़ी, और ये फॉर्मेशन बन गई सिंगुलर, ये कौन सी फॉर्मेशन बन गई, सिंगुलर फॉर्मेशन बन गई, सिंगुलर फॉर्मेशन लगता है इज लाइंग। ये तो वैसे भी एज नहीं कर सकते थे, क्योंकि एज के बाद या हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्मेशन आती है, तो यहां तो सवाल वैसे भी पैदा नहीं होता, ठीक है ना, ये फॉर्मेशन बन गई। कई साथी पूछ रहे हैं सर सब इंजीनियर का पेपर होगा या नहीं, इस प्रश्न का तो मेरे पास जवाब नहीं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब जरूर है कि जो पेपर होगा उसमें ऐसे सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब वो होगा कि नहीं होगा इसका तो मुझे पता नहीं है, अब पेपर तो होगा ही, अब कब होगा ये वो जाने, अपना काम क्या है, तैयार रहना। वो आपको रात को सरप्राइज तो देंगे नहीं कि कल सुबह पेपर है, तो डेट्स वगैरह आपसे अभी टेंटेटिव डेट्स होंगी, जब डेट्स आएंगी तो आपको पता चल जाएगा, अभी आप कम से कम अपने आप को तैयार कर लो भाई। नेक्स्ट, एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स ब्लैंक ब्रोकन आउट इन द डिस्ट्रिक्ट, ब्रेकआउट, याद है हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, स्प्रेड, फैल जाना, याद है ना आपको, फ्रेजल वर्ब में किया हुआ आपने, फैल गई इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, अब बताओ क्या फॉर्मेशन बनेगी। एपिडेमिक ऑफ मीजल, एन एपिडेमिक ऑफ मीजल्स हैज, क्या आंसर बन जाएगा, हैज ब्रोकन आउट, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्मेशन आती है, वो सही है ही, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 21 नंबर ये लो, 22 नंबर और ये लो, 23 नंबर, बताओ क्या पैटर्न बनेगा, कैसे आपका आंसर बनेगा, तुरंत बताओ। इंडिया एंड अमेरिका प्रपोज द फाइव मैन कमिटी फॉर द नेक्स्ट राउंड टॉक, इसको मैं ए नंबर देता हूं, इसको मैंने बी नंबर दिया, ये अपना सी पार्ट बना, यहां लिख देता हूं, ये अपना सी पार्ट बना, और ये है नो एरर अपना डी पार्ट, ये कॉमन एरर की फॉर्मेशन में आपके सामने क्वेश्चन है, ए बी सी डी। इंडिया एंड अमेरिका प्रपोज द फाइव मैन कमिटी फॉर द नेक्स्ट राउंड टॉक, आपको लगता है सेंटेंस में कोई कष्ट नहीं है, कोई समस्या नहीं है तो नो एरर, आपको लगता है ना दिक्कत है तो बता दो ए बी सी डी कौन से पार्ट में, पीछे बस क्वेश्चन का नंबर जरूर लगा देना, ये बात का ध्यान रखिएगा, बताओ।
क्या पैटर्न बनेगा, कैसे बनेगा। तुरंत आंसर दे लो, आगे बढ़ते हैं। आंसर आने शुरू हो गए भाई कई सारे साथियों के, उनको सी पार्ट में एरर लग रहा है भाई। इंडिया एंड अमेरिका प्रपोज द फाइव मैन कमिटी, तसल्ली से देखो भाई, कईयों के आंसर आए हैं बी पार्ट में। ध्यान रखिएगा, मुझे बस इतना बता दो आप कि फाइव स्टार होटल ये सही लिखा है कि गलत लिखा है मैंने। फाइव स्टार होटल, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी किसी सेंटेंस में कोई नंबर, कोई नंबर, नंबर का मतलब संख्या, ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, नंबर के बाद कोई नाउन दे रखा हो और उसके बाद फिर कोई नाउन दे रखा हो, बस ये इतना ही बात आपने ध्यान में रखनी, नंबर प्लस नाउन प्लस नाउन। तो हमेशा ध्यान ये बात रखनी है कि जो नंबर के बाद जो नाउन होगा, नंबर के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में होगा, सिंगुलर फॉर्मेशन में होगा। खुद चेक कर लो, फाइव स्टार होटल बोलते हो या फाइव स्टार होटल बोलते हो, थ्री स्टार होटल बोलते हो या थ्री स्टार्स होटल बोलते हो। फाइव नंबर था ना, पांच प्लूरल था, लेकिन उसके बाद भी स्टार्स क्यों नहीं लगाते, और स्टार नाउन है, होटल भी नाउन है, तो वो फाइव स्टार होटल जो लिखा हुआ है, तो फाइव के बाद नंबर के बाद एक नाउन है वो सिंगुलर रहेगा, और उसके बाद होटल दिया रहेगा वो भी नाउन है, वो प्लूरल में जा सकता है जरूरत पड़े तो। लेकिन यहां लिखा इंडिया एंड अमेरिका प्रपोज द फाइव मैन कमिटी, फाइव नंबर है, मैन नाउन है, कमिटी नाउन है। कमिटी की स्पेलिंग आपको याद रहनी चाहिए, मिस स्पेल्ड के लायक है, कई बार पूछी गई कमेटी की स्पेलिंग। सेंटेंस में कहीं कोई कष्ट नहीं है, सेंटेंस में है नो एरर, एकदम ओके था। फाइव के बाद एम ई एन करने की कोई लोड नहीं है, कहीं तो कर गए पर कोई बात नहीं। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा, काम आएगी आपके। शंकर गेव मी ए 100 रुपी नोट, तुरंत बता दो, पीछे क्वेश्चन का नंबर लगाते चले जाना भैया। शंकर गेव मी ए 100 रुपी नोट, सीधी सी बात है, एक दो तीन चार पांच कैसी फॉर्मेशन बना लो, सेंटेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंकर गेव मी 100 रुपी, एक नोट उसे दिया है तो सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और 100 वगैरह ये जो न्यूमरल नंबर रहते हैं इनके साथ आर्टिकल ए रहता है, ये भी बात सही है। एक नोट की बात चल रही है तो रूपी का रूपीज नहीं कर सकते, और नोट सिंगुलर रहने वाला है ही, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर, सेंटेंस एकदम ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एरर की स्पेलिंग जरूर सही कर लेता हूं मैं, ई डबल आर ओ आर हो जाएगी। 22 नंबर में डी पे गए थे, बहुत बढ़िया भाई। 21 के सी में कहां गए, 21 का सी भाई। द फाइव मैन कमिटी क्यों नहीं लगा सकते भैया, स्पेसिफाइड जब कभी कोई चीज होती है दोस्त, तो हम स्पेसिफाइड कुछ भी हो, दुनिया का कोई सा भी नाउन अगर स्पेसिफाइड होगा आप उसके साथ आर्टिकल दा लगा सकते हो। आपको याद हो हमने जब आर्टिकल्स और डिटरमिनर के बारे में बात करी थी, तो हमने नीडल एक सुई के साथ भी आर्टिकल दा लगा लिया था, स्पेसिफाइड किया था, बात यह है। नेक्स्ट है, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन मायाज एंड वीनास ज्वाइंट अकाउंट। ये अपने आप में जो क्वेश्चन है 23, ये केस का क्वेश्चन है, अवस्था का, जो केस का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना या ऑफ लगाना, का या की का सेंस देना, ये वो वाला पैटर्न है भाई, बता दो क्या पैटर्न बनेगा, कैसे बनेगा। There was no money in Maya's and Veena's joint account. See for next round, sir. हमेशा ध्यान रखना जब नाम या बस बेसिक सी बात आप ध्यान रखना, ज्वाइंट अकाउंट है ना, मतलब दोनों का सेम ही अकाउंट है। जब दोनों का सेम अकाउंट है तो जो ये अपोस्ट्रोफी वाली कंडीशन बनती है ना, इसमें हमेशा आपने एक छोटी सी बात ध्यान में रख लेनी है कि जो पहला नाम होता है उस पर अपोस्ट्रोफी मत लगाओ, लास्ट वाले नाम के साथ अपोस्ट्रोफी रहेगा। मतलब यहां इस मायाज को हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या कर लेंगे, माया कर दो आप, बाकी सब सही है। क्या बन जाएगा, माया, माया एंड वीनाज। हमेशा ध्यान रखना, मान लीजिए अगर अपने बात करें, अगर एक एपिक के रिगार्डिंग बात करें, भाई महाभारत के अंदर क्या था, मान लीजिए अपनों ने लिखा अर्जुन, अर्जुन एंड भीम, अर्जुन एंड भीम वाइफ, अर्जुन एंड भीम वाइफ, यहां इन दोनों की एक ही पत्नी थी द्रौपदी। एपिक के रिगार्डिंग, महाभारत के रिगार्डिंग अर्जुन और भीम की एक ही पत्नी थी द्रौपदी। जब दोनों की एक ही पत्नी है तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा, जब इन दोनों का एक ही अकाउंट था तो आपने क्या कर लेना है, अर्जुन के ऊपर कोई अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगाना, लेकिन भीम के आगे आप अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि एपिक के रिगार्डिंग, एपिक के रिगार्डिंग यही बात हुई थी। महाभारत के अंदर एक एपिक है, महाकाव्य है। लेकिन मान लो अगर अपने कॉमन कोई भी नाम ले, राहुल एंड रमेश,
राहुल एंड संजय। तो अब यहां पे आपने राहुल के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा और संजय के साथ भी अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाना पड़ेगा। दोनों की अलग अलग पत्नियां हैं, तो दोनों की जब अलग अलग पत्नी हुई तो राहुल के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाइए और संजय के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाइए और फिर आगे वाइफ्स हो जाने वाला है। लेकिन यहां आपने बात किसके अकॉर्डिंग करी, एपी के अकॉर्डिंग, अर्जुन और भीम की एक ही पत्नी थी तो आपने अर्जुन के साथ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, भीम के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाएंगे, इस तरीके से ध्यान रख लो। जैसे यही बात माया एंड वीना जो आपने रखा है यहां पे एकदम ओके था। माया और वीना का जॉइंट अकाउंट है, मतलब दोनों का एक अकाउंट है, तो माया को हटाइए आप, माया के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे हटाइए और माया को रख लीजिए, बस। आई बात समझ में? नेक्स्ट पे चल लेते हैं भाई, बता दो। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पार्ट बना लेते हैं भाई, ये ए पार्ट है आपका, ये बी पार्ट, ठीक है ना, ये आपका सी पार्ट है, ये आपका डी पार्ट है और ई पे दे देता हूं नो एरर। क्या फॉर्मेशन बनेगी तुरंत बता दो। तुरंत अपनी फॉर्मेशन बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्टन अमेरिका साहब, नाम में तो आपने कैप्टन लिखा हुआ है पर आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अब ब्लॉक होने वाले हैं थोड़ी देर में, और मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलना है कि ब्लॉक, और आप तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे दोस्त। आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो यार, आंसर आप सही दे रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लेकिन इस साथ साथ जो आपकी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है ना, इससे थोड़ा ध्यान हटा लो, तुरंत बता दो। इंडिया एंड चाइनाज प्रेजेंट कंडीशंस क्लियरली दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक बात सोचो, सेम इंडिया और चाइनाज, भारत और चाइना की जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, भारत और चाइना, जैसे चाइना के ऊपर इसने अपोस्ट्रोफी लगाया ना, वैसे इंडिया, इसमें क्या करना चाहिए, इंडियाज, इंडियाज एंड चाइनाज, इंडियाज सही होगा क्योंकि भारत, पूरे भारत देश के बारे में, लोगों के बारे में बातचीत चल रही है क्या यहां पे, बातचीत चल रही है कंडीशन के बारे में, किसके बारे में बातचीत चल रही है, कंडीशन के बारे में। तो जैसे चाइना के आगे इसने कंडीशंस लगाया, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाया, वैसे वैसा इंडिया के आगे भी लिखना चाहिए। अकेले भारत की बात नहीं हो रही, चाइना की भी बात हो रही है, दोनों सेम कंडीशन में रहने चाहिए थे, कई 24 नंबर में नो एरर पे गए थे। दोबारा सुनो, ध्यान से समझना आप इस पैटर्न को। आपने कहा माय कार, आप एक सेंटेंस सुनो, माय कार इज बेटर देन यू, सही है क्या ये, माय कार इज बेटर देन यू, मेरी कार जो है वो तुमसे बेहतर है, तुमसे बेहतर है, तुम्हारी कार से बेहतर है, आप यही तो सेंटेंस बनाएंगे। माय कार इज बेटर देन यू होगा कि योर्स होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, योर्स करो या तो, या फिर योर कार करो, यू से थोड़ी बेहतर है उसकी कार, यू का मतलब तुम, और तुम का मतलब उस व्यक्ति से बेहतर होगी क्या उसकी गाड़ी, नहीं। या गाड़ियों के बीच में कंपैरिजन हमेशा दो सिमिलर मामला होना चाहिए, याद रखना, जो भी कंपैरिजन आप करते हो, जो तुलना करते हो ना, कंपैरिजन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। तो यहां पर तो भारत, पूरे अकेले भारत का नाम ले लिया, वहां पे वो बात कर रहा था चाइना की कंडीशंस के बारे में, यहां इंडिया के बारे में बात कर ली, तो इंडिया की भी तो क्या कंडीशंस, तो यहां क्या करना चाहिए, इंडिया के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, का या की का भाव बन जाएगा, ये फॉर्मेशन बनेगी, देन योर्स, बिल्कुल अनिता जी, देन की स्पेलिंग सही करना, तुलना करने में वो जो देन लगता है ना, उसकी स्पेलिंग टी एच ई एन नहीं होती, टी एच ए एन होती है, ध्यान रखना हमेशा, टी एच ए एन, ये तुलना करने के काम आता है, कंपैरिजन करने के काम आता है, एक होता है टी एच ई एन, ये टी एच ई एन का मतलब क्या होता है, तब, जैसे नाउ का मतलब अब और टी एच ई एन का मतलब तब, ये फॉर्मेशन बनेगी, बिल्कुल भाई, कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, ऐसी फॉर्मेशन बनती है। आई बात आपके समझ में? बताओ भाई 25 और 26, उसके बाद नाउन की बात अपनी समाप्त होती है, पहले ये बता दो। इंडिया इज अ कंट्री, इट्स कैपिटल, ये इन न्यू दिल्ली नहीं है, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, ये फॉर्मेशन बनेगी, तुरंत आंसर दो, फिर बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है, नेम ऑफ कंट्री जो होती है, नेम ऑफ कंट्री, किसी भी देश का कोई भी नाम होगा, नेम ऑफ कंट्री, हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूट्रल जेंडर होता है, आपको रट्टा नहीं मारना, इसका रट्टा मारने की कतई जरूरत नहीं, न्यूट्रल जेंडर होता है, और न्यूट्रल जेंडर के लिए बेसिकली अपने इट को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, इट को,
इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक देश है, इट्स कैपिटल इज न्यू दिल्ली, और इसकी कैपिटल जो है वो न्यू दिल्ली है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस एकदम ओके है, न्यूट्रल जेंडर है। लेकिन इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड हर ओपन पाथ्स, इंग्लैंड वो देश है जहां पर मैंने पाए उसके ओपन पास, खुले रस्ते पाए। यहां पर ओपन पास का मतलब खुले रस्ते नहीं है, ये पर्सोनिफिकेशन है, ये सेंटेंस में अपने आप में कहीं ना कहीं पर्सोनिफाइड हुआ है, पर्सोनिफाइड की फॉर्मेशन है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है, मानवीकरण, कल को मीनिंग ही आ जाए तुम्हारे काम ही, मानवीकरण। अब एक बात सोचने, क्या हुआ मानवीकरण वाला मामला, समझने की कोशिश करना। इंग्लैंड इज द कंट्री, इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर मैंने पाए, ओपन पास का मतलब है ओपन माइंडेड लोग पाए, खुले विचारों वाले, खुले रस्ते के लिए इंग्लैंड तक जाने की क्या जरूरत थी, वो तो हिंदुस्तान में भी खूब जगह मिल जाएंगे। इंग्लैंड तक जाने का मतलब यहां पे ओपन पास का मतलब है खुले विचारों के लोग मिले उसे। यहां पे इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड हर, जब कभी किसी नेम ऑफ कंट्री को आप पर्सोनिफाइड करते हो, क्या करते हो, पर्सोनिफाइड करते हो, मानवीकरण करते हो, तो हमेशा ध्यान रखना वो शी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में, और शी में अगर कन्वर्ट होगा तो इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड हर, इस हर की जगह पे पेपर में आपको क्या मिलेगा, इट्स मिलेगा, और जो कि गलती होगी। तो इंग्लैंड इज द कंट्री वेयर आई फाउंड हर, हर यहां पे एकदम ओके है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ये नाउन एंड इट्स जेंडर, ये जेंडर का क्वेश्चन बन रहा था, ये दोनों क्वेश्चन किसके बने थे, जेंडर की फॉर्मेशन में। देशों के नाम बेसिकली न्यूट्रल जेंडर होते हैं, इट का यूज करते हो आप न्यूट्रल जेंडर के साथ, लेकिन कभी किसी देश के नाम को अगर आपने पर्सोनिफाइड कर रखा हो, मानवीकरण कर रखा हो, और ये मानवीकरण क्या चीज होती है, किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट की कोई क्वालिटी होती है, उसे अगर आप नॉन लिविंग के साथ अटैच कर देते हो, ये पर्सोनिफिकेशन होता है। मान लीजिए आप दो दोस्त एक रूम में बैठे हैं और एक आपने पंखा चला रखा है, वो पंखा चर 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 की आवाज कर रहा है, आप अपने मजाक में अपने दोस्त को बोलते, देख रहे तेरी तरह चर चर कर रहा है, वो वाकई में पंखा उसकी तरह चर चर कर रहा है, लेकिन नहीं, आपने एक लिविंग ऑब्जेक्ट की क्वालिटी, उसकी कोई भी विशेषता को आपने किसके साथ जोड़ दिया, नॉन लिविंग के साथ। बस ये तरीका है मेरा समझाने का, आप बात समझ जाना। तो यहां पे देशों के नाम को बेसिकली अगर पर्सोनिफाइड कर रखा हो तो बेसिकली शी में कन्वर्ट हो जाते हैं, शी में कन्वर्ट होते हैं, यहां पे इट्स नहीं करेंगे, हर ओपन पाथ्स, ये फॉर्मेशन ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी, तरीके से आप समझते चले जा रहे होंगे। तो चलो अब अपने को क्या काम कर लेना चाहिए, अब अपने को काम ये कर लेना चाहिए कि पहले तो वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट पे आएंगे, वर्ड मीनिंग के बारे में चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे उनको समझते थे। नाउन के बारे में आज अपनों ने बात करी, प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वर्ड मीनिंग की जो अपनी सीरीज चल रही है पहले उसे भी कंटिन्यू कर लेना जरूरी बनता है। इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स चल रहे थे 156 पे अभी अपने को, तो अपने को ये बातचीत जो चल रही है वो चल रही है सिनोनिम्स के बारे में, किसके बारे में बातचीत चल रही है, ये है सिनोनिम्स। एंटोनिम का भी नंबर आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। अब बताओ भी पढ़ना आज आप तरीके से, ये जो नाउन का पैटर्न आपने पढ़ा और मैंने जो बातें आपके साथ शेयर करी उनको दिमाग में रखिएगा। द एंटीडोट टू दीज प्रॉब्लम्स इज हार्ड टू फाइंड, बताओ भी एंटीडोट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स कर दो आप इसको, इज हार्ड टू फाइंड रेमेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर कॉज फॉर रिजल्ट ऑफ, तुरंत अपना आंसर दो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, तुरंत अपना आंसर दो उसके बाद चर्चा पर चर्चा करते हैं भाई। पीछे क्वेश्चन का नंबर लगाते रहना बस, ये गड़बड़ मत कर देना। एंटीडोट किसे कहते हैं, हिंदी में तो देखो एंटीडोट का मतलब होता है प्रतिविष, प्रतिविष, जैसे जहर को जहर काटता है ना, ऐसी एंटीडोट तैयार करते हैं, कभी किसी कोई बीमारी हो जाती है उसका एंटीडोट तैयार किया जाता है उसको ठीक करने का। 156 में रेमेडी फॉर, बहुत बढ़िया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस किसे कहते हैं, परिणाम। स्पेलिंग याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो कॉन्सिक्वेंस की, मिस स्पेल्ड के लायक बातें होती है ना, मिस स्पेल्ड कोई अपने आप में कोई जादू थोड़ी है, बेसिक जो जनरल स्पेलिंग्स होती है ना वही आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग ध्यान में रख लेना। द एंटीडोट टू दीज प्रॉब्लम्स इज हार्ड टू फाइंड, जो प्रतिविष है एक तरीके से आप मान लीजिए, दवाई है टू दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं की इज हार्ड टू फाइंड, बड़ी मुश्किल है ढूंढनी क्या निवारण होगा इनका, पता नहीं भाई। 156 ए रेमेडी फॉर, बिल्कुल भाई उपचार, प्रतिविष। कॉन्सिक्वेंस की स्पेलिंग दिमाग में रहनी चाहिए आपके, दो चार पांच बार लिख कर देख लीजिएगा। कॉज फॉर रिजल्ट, कॉज के साथ बेसिकली फॉर प्रेपोजिशन आता भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलता हूं। ही डिजर्व द एक्कोलेड ही रिसीव्ड, बताओ बहुत प्यारा सेंटेंस है भाई, तुरंत बताओ। He deserved the accolade. Accolade का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा।
ही डिजर्वड, उसने वो डिजर्व करता है भाई, द एक्वलेड ही रिसीव्ड, जो प्रशंसा उसे मिली, जो बड़ाई उसे मिली, प्रशंसा कह लो आप एक तरीके से, आप इसे क्या कह सकते हो, प्रशंसा कह सकते हो, जो प्रशंसा उसे मिली वो डिजर्व करता था भाई। तो कमेंट, ऑनर या एप्रिसिएशन, सीधी सीधी बात है एप्रिसिएशन, जो उसे एप्रिसिएशन मिला, जो प्रोत्साहन मिला एक तरीके से, ठीक है ना। मिसस्पेल्ड कब करवाओगे सर? बिल्कुल भाई, पहली बात तो रोज होता है मिसस्पेल्ड, आप रेगुलर लेक्चर लेते ही नहीं दोस्त, तो आपको क्या ही पता चलेगा। यहां तो मिसस्पेल्ड के बारे में हर दिन चर्चा परिचर्चा करते हैं, और डेफिनेटली प्रॉपर मिसस्पेल्ड के लिए आपके सामने स्पेलिंग्स लेके आऊंगा, वो एक अलग बात है, और लेके भी आऊंगा, लेकिन फिर भी रोज मिसस्पेल्ड के बारे में बात करते ही करते हैं हम हर पर्टिकुलर सेक्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं। द वन हु इज रिच पजेजेस मैनी सुपरफ्लूअस थिंग्स, टॉपिक किया था अपनों ने सुपरफ्लूअस, तो मेरे हिसाब से तुरंत बता दो कि आप सुपरफ्लूअस का क्या मतलब होता है। द वन हु इज रिच, वो व्यक्ति जो अमीर है, पजेजेस, वो क्या रखता है भाई, स्वामित्व रखता है, मैनी सुपरफ्लूअस थिंग्स, कई सारी अनावश्यक चीजें होती है उसके पास। जो आदमी अमीर होते हैं, कई उनके पास चीजें ऐसी पड़ी रहती है जिनका कोई लेना देना नहीं होता, उनको अनावश्यक पड़ी रहती है। तो बता दो आंसर क्या होगा, कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया भाई, आंसर गए नीडलेस, अनावश्यक। सुपरफ्लूअस का मतलब ही क्या होता है, अनावश्यक। ये फॉर्मेशन आपकी बनी और एकदम सही बनी, अनावश्यक। अब सुनो, सुपीरियर, बेसिकली सुपीरियर के साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है, सुपीरियर टू, प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, याद है ना, प्रेपोजिशन वाला मसला है। एसेंशियल आवश्यक होता है, एक्सपेंसिव महंगा होता है। एक्सपेंसिव महंगे का एक और मीनिंग आपको याद कराऊं, डियर, डियर का भी मतलब क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है। एक बार पहले भी आ चुका अपने सामने, ऐसी बात नहीं, डियर का मतलब एक तो प्रिय होता है और एक डियर का मतलब कॉस्टली होता ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कई गड़बड़ कर गए भैया इस 158 में, कईयों के आंसर डी पे पहुंच गए थे, कई गलत हो गया। सुपरफ्लूअस का मतलब होता है, देखो द वन हु इज रिच पजेसेस मेनी सुपरफ्लूअस थिंग्स, तो उन्होंने ये तुक्का लगाया, उनके पास बड़ी महंगी चीजें होती होंगी। अरे सुपरफ्लूअस का मतलब भी क्या होता है, नीडलेस। और जिन्होंने इसका आंसर डी दिया है ना, दावे के साथ कह सकता हूं सुपरफ्लूअस कॉमन एरर वाला अपना जो पिछला लेक्चर था उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि अगर देखा होता तो सुपरफ्लूअस टॉपिक का ही नाम रख दिया था अपनों ने, तो भी नहीं समझ पाए वो। चलो कोई बात नहीं भाई। एब्सोल्यूट साइलेंस रिजाइंड इन द होल नेक्रोपोलिस, बताओ, बहुत अच्छा गजब, एक वन वर्ड हो रहा है इसमें, ये और कमाल की बात, तुरंत बता दो क्या होएगा। ये स्पेलिंग सही कर देता हूं भी आपको मैं, RIGNED, रिजाइंड, इसका मतलब क्या होता है, वो जो शासन होता है ना उसे बोलते हैं, स्पेलिंग सही कर लेना भाई। तुरंत बताओ क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे बोलेगी। रेन का मतलब क्या होता है, शासन करना, रूल द रूस्ट, RULE, रूल द रूस्ट, ऐसी फॉर्मेशन बनती है, रूल द रूस्ट, शासन करना। आंसर बताओ आप तुरंत ही, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्रोपोलिस किसे कहेंगे यहां पे, चलो थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, कब्रिस्तान को, किसको बोलते हैं, कब्रिस्तान को बोलते हैं। नेक्रो जो वर्ड होता है ना, नेक्रो, ये बेसिकली अपने आप में एक रूट वर्ड होता है। ये नेक्रो किस से रिलेट होता है, लाश से। जैसे अपने अगर ये कह दें नेक्रोमेंशर, नेक्रोमेंशर, ये किसे बोलते हैं भाई, तांत्रिक को बोलते हैं, भी जो लाश से बात करता है एक तरीके से, तांत्रिक को बोलते हैं। एक मान लीजिए अपने पास मीनिंग आ जाए नेक्रोग्राफ, नेक्रोग्राफ, नेक्रोग्राफ का मतलब क्या होता है, मौत का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा, मौत का आंकड़ा, जो ग्राफ होता है, ऐसी फॉर्मेशंस कई बनती हैं, तुरंत बता दो। देखो चर्च यार्ड कहने को तो कब्रिस्तान को ही बोलते हैं, लेकिन जो चर्च से घिरा हो, जिसके जिसके पास चर्च घिरा हो, चर्च घिरा हो, ऐसा कब्रिस्तान जो चर्च से घिरा होता है उसे तो चर्च यार्ड कहते हैं। कई साथियों ने चर्च यार्ड टिक किया भाई, ठीक है ना, लेकिन गड़बड़ कर दी उन्होंने, क्योंकि सिमेट्री इसका आंसर है, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान होता है। अब वो कहेंगे सर इसका भी तो कब्रिस्तान है, याद रखना। एब्सोल्यूट साइलेंस रेंड शासन करती है इन द होल नेक्रोपोलिस, पूरे कब्रिस्तान में बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप का मामला रहता है। एब्सोल्यूट साइलेंस का मतलब पूर्ण रूप से शांति रहती है। तो नेक्रोपोलिस का जो मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्मेशन होता है सिमेट्री, कब्रिस्तान। अब होता है यह भी कब्रिस्तान ही है, किसको, चर्च यार्ड को, लेकिन उसके चारों ओर क्या होती है, चर्च रहती है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। सिनोटैप, सिनोटैप भी किसे बोलते हैं, आपको पता है, मोन्यूमेंट को बोलते हैं। सिनोटैप के भी मतलब क्या होता है, मोन्यूमेंट को बोलते हैं, मोन्यूमेंट,
भी फॉर्मेशन होती है होने को तो, लेकिन वो मॉन्यूमेंट जिसमें होता क्या कि कोई व्यक्ति मरा तो कहीं और दफनाया कहीं और ही, मरा कहीं और है और उसे दफनाया कहीं और ही गया होता है, मरा कहीं और दफनाया किसी और ही जगह पे गया, दिस इज सिनोटाफ, मॉन्यूमेंट को कहते हैं। कोई मौत कहीं हुई है उसको दफना कहीं और दिया गया, चर्च यार्ड जो चर्च से घिरा रहता है ऐसी फॉर्मेशन, सिमेट्री इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, इसका ध्यान रखिएगा। और ये नेक्रो रूट वर्ड है, ध्यान रखिएगा, नेक्रो नेक्रोमेंशन, नेक्रोग्राफ, नेक्रोलोग, नेक्रोलोग भी होता है, शोक संदेश आते हैं ना, शोक संदेश अपने न्यूज़पेपर वगैरह में किसी का देते हैं, नेक्रोलोग इसे भी बोलते हैं। फाइव ईयर प्लान्स, ये देख लो आप खुद ही, नाउन प्लस नाउन के बाद ये सॉरी नंबर, फाइव अपने आप में क्या है, फाइव, फाइव तो है नंबर, नंबर ये रहा, प्लस ईयर क्या है नाउन, उसके बाद प्लान्स भी क्या है नाउन। अब मैंने क्या कहा था, फाइव के बाद ईयर्स नहीं लिखा हुआ, आज ही पढ़ा है ये काम आ गया, फाइव ईयर्स नहीं लिखा, फाइव ईयर लिखा, अगला नाउन प्लूरल जाएगा भले ही, लेकिन नंबर के बाद वाला नाउन प्लूरल फॉर्मेशन में कतई नहीं जाएगा। फाइव ईयर्स प्लान्स हैव बीन पुट इनटू ऑपरेशंस टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग है मिटिगेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिटिगेट लेसन रिमूव रिड्यूस या कट, तुरंत अपने फॉर्मेशन बताओ क्या आएगा। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट का मतलब क्या होता है कम करना। अब कम करने जैसे मीनिंग यहां पे तो कई दिखते होने को, तो कि रिड्यूस का मतलब भी कम करना बोलते हैं, पर ध्यान रखिएगा रिड्यूस का मतलब हम अपनी तरफ से कम करते हैं, लेसन का मतलब कमी होता है घटाना, लेसन का मतलब क्या होता है घटाना भी होता है, और यही है इसका आंसर होगा। लेसन ये याद रखिएगा, कई बार ये मीनिंग भी आता है, तो 160 में बहुत सारे साथी मुझे पता थे सी पे जाएंगे भाई, रिड्यूस पे गए, रिड्यूस का मतलब जैसे मैंने कम करना लिखा, कम करना घटाना ये फॉर्मेशन बनती है, लेसन किसी चीज को कम कर देना मतलब संक्षिप्त कर देना ऐसी फॉर्मेशन बनती है, तो लगभग साथी रिड्यूस पे गए थे जबकि आंसर गलत था। 160 का बनेगा आपका लेसन, घटाना कम करना ये फॉर्मेशन, रिमूव नहीं होगा, कट नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलता हूं, अगला अपने पास He does not know, he वैसे कैपिटल होना चाहिए था, क्या कर देता हूं मैं, He does not know how to husband his resources. Husband का मतलब एक तो पति होता ही है, वो तो सारे जानते ही आप, अगला और बताओ भाई। Husband का मतलब क्या होता है भाई, व्यवस्थित करना, husband का मतलब एक और होता है व्यवस्थित करना, और एक husband होता है पूरे जीवन में अपने व्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करने में लगा रहता है, सीधी सी बात है, मैनेज करने में लगा रहता है। एक हस्बैंड है जिसे अपने जीवन को मैनेज करना पड़ता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वाइफ को नहीं करना पड़ता, स्टोरी बना रहे हैं अपने ताकि मीनिंग याद है। हस्बैंड, हस्बैंड क्या करता है, मैनेज करता रहता है हर चीज के साथ, ठीक है ना, तो इस तरीके से रिलेट कर लो, मीनिंग याद होना चाहिए। ही डज नॉट नो हाउ टू हस्बैंड हिज रिसोर्सेज, उसे नहीं पता, उसे नहीं आता वैसा कि कैसे अपने रिसोर्सेज को वो हस्बैंड करे, मैनेज करे, गवर्न नहीं होगा, रूल नहीं होगा, वॉच नहीं होगा, बाकी कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, सीधा सीधा है मैनेज करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, He was the only reckless worker. कई बार आ चुका अपने पास reckless, लापरवाह से related था, बता दो भाई। Worker in the entire staff, वो एकमात्र क्या था भी, लापरवाह staff था, क्या बनेगा बता दो भाई, reckless का क्या अर्थ बनेगा, कैसे बनेगा तुरंत बता दो, आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा rash और careless भी आप जानते हो, ये भी मिल सकता है आपको कभी, careless ये फॉर्मेशन भी होती है। पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्त कि आपको पढ़ाने वाले टीचर की शादी हो गई थी कि नहीं हो गई थी, है ना, नीचे ऑप्शन ये नहीं पूछेगा, यस नो इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं देने वाला, पेपर में इस टाइप का कोई मीनिंग आएगा उस पर ध्यान दे लो, निवेदन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिस यूनिवर्स पेजेंट वॉज रियली वर्थ सिंग, काम की बात तो एक यहां पर यह आई है कि वर्थ के बाद, वर्थ के बाद आने वाली जो वर्ब की फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा वी फोर्थ का पैटर्न रहता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे आपने कहा दिस मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, ये मूवी देखने लायक है, इस वर्थ का मतलब भी क्या होता है लायक। दिस बुक इज वर्थ रीडिंग, ये पुस्तक जो है ये पढ़ने लायक है, वर्थ रीडिंग पढ़ने के लायक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी, तुरंत आंसर दो भाई। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, द मिस यूनिवर्स जो प्रदर्शन होता है किसे बोलते हैं प्रदर्शन, वॉज रियली वर्थ सिंग, मिस यूनिवर्स का जो प्रदर्शन हो रहा था वो वाकई में देखने लायक था, कंटेस्ट शो फंक्शन, क्या पैटर्न बनेगा भाई, सभी का सही आंसर है भाई, शो पे जा रहे हैं, कॉन्टेस्ट नहीं होगा भाई,
प्रदर्शन शो को बोलते हैं, फंक्शन नहीं होगा, कार्निवल नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एवरीबडी इन द असेंबली शाउटेड, हर कोई असेंबली में शाउट हुआ, एंड देयर वॉज अ पेंडेमोनियम इन द हॉल। और फिर वहां पे क्या थी, देयर वॉज अ पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब क्या बनता है, भगदड़। इसे बोलते हैं, भगदड़ को बोलते हैं, पेंडेमोनियम होता है भगदड़। बताओ भाई क्या आंसर होगा, कैसे होगा? क्राउड तो भीड़ को बोलते हैं, नॉइज शोर को बोलते हैं, लाफ्टर हंसी को बोलते हैं, डिसऑर्डरली सीन। डिसऑर्डरली का मतलब भी कहते हैं अव्यवस्था है, जहां पे मजा आती है भगदड़ मच जाती है। ये सीधा सीधा इसका आंसर बनेगा, डिसऑर्डरली। द प्रिंस फेल इन लव विद अ कॉमली यंग मेडन। बताओ भाई तुरंत फॉर्मेशन बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुंदर, कॉमली का मतलब क्या होता है, सुंदर। क्या आंसर आता है भाई, 165। बहुत बढ़िया भाई, प्रिटी एकदम ओके आंसर। एलिगेंट का मतलब भव्य होता है, शानदार होता है। होमली नहीं होगा, प्रिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो द प्रिंस फेल इन लव विद अ कॉमली सुंदर यंग मेडन, ठीक है ना, कुंवारी। मेडन का मतलब क्या था, कुंवारी। नेक्स्ट है, नो वन विल इन्वाइट हर टू ए टी और शी इज सो गैरुलस, क्योंकि शी इज सो गैरुलस। एक बार पहले भी ये गैरुलस मीनिंग आया था अपने पास, क्या अर्थ था इस गैरुलस का, पहले भी मीनिंग अपने पास आ चुका है। और यहां पे जो और लिखा हुआ ना, इस और की जगह पे क्या कर देना चाहिए अपने को, इस और की जगह पे अपने करते थे फोर, और फोर का मतलब क्या बना, फोर का मतलब यहां पे बना क्योंकि, कंजक्शन है क्योंकि जैसा सेंस दे रहा है। कोई भी उसको चाय के लिए इनवाइट नहीं करेगा क्योंकि शी इज सो गैरुलस, वो बहुत ही क्या है भाई, बातूनी है। गैरुलस का मतलब क्या होता है, बातूनी होता है। तो फॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है भाई, टॉक्स अलॉट, गैरुलस, टॉकेटिव। पहले भी ये मीनिंग आ चुका है अपने पास, रिपीट्स गॉसिफ नहीं होगा, गीगल्स ऑल द टाइम, सारे दिन गीगल्स करता रहता, नहीं, लाफ्ट, लाफ्स अलॉट, नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच इज द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट वापस से पूछ रहा है आपसे, मतलब सिनोनिम्स की बात फिर पूछ रहा है आपसे, टू द इटैलियाइज्ड बोल्ड पार्ट, ठीक है ना। और अल्टरनेटिव आपको पता है ही, द लीडर्स करिश्मा अट्रैक्टेड मैनी फॉलोअर्स, ह्यूमिलिटी, पावर, मैग्नेटिक अपील या कैंडोर। बताओ भाई तुरंत बताओ, फिर एंटोनिम आने वाले हैं बहुत जल्दी। कैंडोर किसे कहते रहे, कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है, स्पष्टवादिता, स्पष्टवादिता। ये फॉर्मेशन बनती है। तो द लीडर्स करिश्मा, करिश्मा का मतलब क्या बनता है, करिश्मा, आकर्षण, मैग्नेटिक अपील। करिश्मा का मतलब भी क्या होता है, उनका आकर्षण ही ऐसा है, आकर्षण की फॉर्मेशन बन गई। तो लीडर्स का करिश्मा जो था अट्रैक्टेड उसने किया भी, मैनी फॉलोअर्स को बहुत आकर्षित किया, तो मैग्नेटिक अपील थी उसमें, अपनी तरफ उसने खींचा, ऐसी फॉर्मेशन बन गई। नेक्स्ट पे चलो। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ बट हिज अकम्प्लिश एस्केप्ड, अपराध में साथी, अकम्प्लिश, अपराध में साथी, जो अपराध में साथ देता है उसे बोलते हैं। बहुत अच्छा मीनिंग है अकम्प्लिश, इसकी स्पेलिंग में पुलिस टाइप का मीनिंग आ रहा है, तो अकम्प्लिश जिसने अपराध में साथ दिया हो, और एक अकम्प्लिश होता है जिसमें अकम्प्लिश की स्पेलिंग में एस एच आता है, और वो जो एस एच वाली फॉर्मेशन बनती है वो क्या होती है, अकम्प्लिश करना, किसी काम को कंप्लीट करना, पूरा करना, वो अकम्प्लिश की स्पेलिंग अलग होती है। यहां पे अकम्प्लिश की स्पेलिंग सही कर लेते हैं भाई, ये गड़बड़ कर दी इसने अपने, लिख लेते हैं यहां पे ए डबल सी ओ एम पी एल आई सी, अकम्प्लिश, ये स्पेलिंग सही होगी, ये गड़बड़ थी, ये स्पेलिंग सही थी। तो फ्रेंड होगा, कलीग होगा, कंपेनियन होगा या पार्टनर होगा भाई, तुरंत बता दो। कईयों ने आंसर यहां पे अपना जो है वो कलीग पे लगाया, अरे कलीग सहकर्मी होता है ऑफिस वगैरह में जो काम करता है। पार्टनर इन क्राइम, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, पार्टनर इन क्राइम, ये आपकी बात सही थी। तो कलीग किसे बोलते हैं, सहकर्मी को बोलते हैं कलीग, और ये कलीग की स्पेलिंग भी आपको पता होनी चाहिए वैसे, सहकर्मी जो ऑफिस वगैरह में साथ काम करते हैं, सहकर्मी, कलीग नहीं होता, कलीग होते हैं क्या, कलीग हो आप मेरे, कंपेनियन साथी होता है, फ्रेंड दोस्त होता है, पार्टनर होगा तो पार्टनर इन क्राइम, ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी। कई पार्टनर पे गए, कंपेनियन पे गए, नहीं भाई, कंपेनियन कोई भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये अब आपको इस तरह से, तो पार्टनर भी कोई भी किसी का हो सकता है, याद रखें, पार्टनर इन क्राइम ये फॉर्मेशन बनती है। अगले ने ऑप्शन आपके पास पार्टनर रखा है, तो जो उसका साथी था मतलब पार्टनर इन क्राइम था,
ये ध्यान रखना, कंपेनियन नहीं, ऐसी फॉर्मेशन नहीं बनती, पार्टनर इन क्राइम ये बनता है, पार्टनर इन क्राइम लिख भी देता हूं, पार्टनर इन क्राइम। और ये अकम्प्लिश की स्पेलिंग, एक तो ये वाली और एक अकम्प्लिश जिसमें एस एच आता है, वो क्या होता है, किसी काम को पूरा करना, कंप्लीट करना। ही हैज ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट बाय हिचकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। यूट्यूब पे कितने ऐसे चैनल है भाई, उनसे आप ये शायद मीनिंग सीख गए होंगे, पर देखते हैं अब किसके समझ में आई है कि नहीं आई। हिचकिंग किसे कहते हैं भाई, बिना पैसे लगाए आप किसी से लिफ्ट मांगते रहते हो और किसी जगह पे घूमने निकल जाते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनमें लोग पैसे नहीं देते और लिफ्ट मांगते मांगते पहुंच जाते हैं भाई कहीं भी। गेटिंग फ्री राइड्स ऑन रिक्वेस्ट, वर्किंग एट डिफरेंट प्लेसेस, ड्राइविंग हिज ओन कार, फ्लाइंग फ्रॉम सिटी टू सिटी, सीधी सीधी बात है, गेटिंग फ्री राइड्स ऑन रिक्वेस्ट, ये इसका आंसर होगा। ध्यान रखना वन वर्ड भी है ये, तो ही हैज ट्रेवल्ड, वो ट्रेवल कर चुका ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट, लगभग सारे कॉन्टिनेंट के ऊपर, बाय ही सीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय उसने क्या किया भाई, लिफ्ट ही मांगी। नोमैड शुभम, हाँ है ना नोमैड शुभम, लेकिन वो तो पैसे लगाता भी, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। नोमैडिक का भी मतलब क्या होता है, नोमैडिक भी अपने आप में इंग्लिश का एक मीनिंग होता है, कभी देखना, घुमक्कड़ को बोलते हैं नोमैडिक, इसका मतलब भी क्या होता है, घुमक्कड़ को बोलते हैं। YouTube पे देखते ही हो, बाकी मीनिंग मीनिंग को याद करते नहीं हो तुम। अब देखो भाई, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट, ये लो भैया एंटोनिम आ गया, ऑपोजिट, ये एंटोनिम्स की बात अपने करनी है यहां पे। ऑपोजिट बताना आपने ट्रेजेडी का, बता दो तुरंत ही। सर नोमेड मतलब बता दिया मैंने तो भैया, घुमक्कड़ को बोलते हैं। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का सीधा सीधा उल्टा मीनिंग क्या बनेगा भाई, कॉमेडी। कैलमिटी किसे कहते हैं, डिजास्टर को, ये बड़ा अच्छा मीनिंग है डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, विपत्ति, संकट, डिजास्टर विपत्ति, दोबारा लिख देता हूं यहां पे, ध्यान रखिएगा। तो ट्रेजेडी, कॉमेडी, कैलमिटी, कैलमिटी का मतलब डिजास्टर को बोलते हैं, विपत्ति को बोलते हैं। सिनोनिम नहीं पूछ रहा भाई, अब ये एंटोनिम पूछने शुरू कर दिए इसने। नेक्स्ट पे देखें, अकॉर्ड बताओ भी, अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से आप कोई भी काम करते हो स्वेच्छा से। तो सॉल्यूशन होगा, एक्ट होगा, डिसेंट होगा, कंकर्ड होगा, सीधा सीधा मतलब है डिसेंट, जिसमें आपकी इच्छा नहीं होती, आपकी सहमति नहीं होती, ये फॉर्मेशन आपने ध्यान में रख लेनी है, ठीक है ना। असहमति कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, असहमति। अकॉर्ड का मतलब, कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सहमति को बोलते हैं, कंकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, सहमति को, अकॉर्ड, अकॉर्डिंग, अपने बोलते हैं ना बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, वैसे दे आपको याद हो तो जब हमने सुपरफ्लुअस एरर करे थे तो वहां पे बात कर ली थी कि अकॉर्डिंग टू मी जैसा कोई इंग्लिश में वर्ड है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। कंकर्ड का मतलब क्या हुआ, कंकर्ड का मतलब सीधा सीधी बात, आप किसी से एग्री करते हो, सहमत होते हो। तो अकॉर्ड का मतलब अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग का मतलब स्वेच्छा से, अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी काम करते हो, तो इसका उल्टा क्या है, डिसेंट, असहमति, आप जहां पे अपने दिखाते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, माइजरली बताओ भाई क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे बनेगी। माइजर किसे कहते हैं, कंजूस को बोलते हैं, माइजरली किसे कहते हैं, कंजूस को। एक्स्ट्रावेगेंट, एक बार पहले भी मीनिंग आया था एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब क्या था, जो बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता हो, ठीक है ना, फिजूल खर्च करता जो, ये फॉर्मेशन बनती है। जेनेस का मतलब उदार होता है, जेनेस का मतलब उदार होता है। हॉस्पिटेबल का मतलब जो भी जो हॉस्पिटैलिटी करता है। सर आप मिस्टर इंडिया बन रहे हो बीच बीच में, बिल्कुल भैया जरूरी है, ताकि ये पीडीएफ आपके पास एकदम साफ साफ ओके तरीके से पहुंच जाए, इसीलिए। फिलेंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, जो उदार को बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट किसे कहते हैं, ये अपने आप में रूट वर्ड, जो उदार होते हैं ना, उदार को बोलते हैं, जो उदार रहते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, एमेल्योरेट, एमेल्योरेट का क्या मतलब होता है, इंप्रूव करना, सुधारना। लेसन तो मीनिंग पहले ही आ चुका अपने पास, लेसन करने का मतलब क्या था, कम करना, घटाना, कम करना या घटाना। अब ये मीनिंग शायद ही भूलो आप, कम करना, घटाना, ये मीनिंग मेरे हिसाब से अब आपको नहीं बोलना चाहिए।
हेस्टन होगा, एक्सपेडाइट होगा, वर्सन बुरे को बोलते हैं, बताओ तुरंत ही। बिल्कुल भैया, गेट में आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, हर तरीके से आएंगे। अमेल्योरेट का मतलब होता है सुधारना, सुधार करना, इंप्रूव करना। सुधार कह सकते हो, इंप्रूव कह सकते हो, इंप्रूव कह सकते हो। तो वर्सन का मतलब बुरा, सुधार नहीं करते तो ऊपर उल्टा ही होता है। हेस्टन का देखो, हिस्ट का मतलब भी कहता है, हिस्ट का मतलब भी जल्दबाजी होता है, हेस्टन का मतलब भी जल्दबाजी से रिलेटेड होता है, जल्दबाजी। हेस्टन का मतलब ही किससे रिलेट होता है, जल्दबाजी से रिलेट होता है, ठीक है ना, जरूर ध्यान रखिएगा इस बात को। एक्सपेडाइट का भी मतलब क्या होता है, दोनों एक जैसे ही मीनिंग है। एक्सपेडाइट का भी मतलब क्या होता है, जल्दी करना, ये फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अमेल्योरेट, अमूल के रेट आजकल सुधर रहे हैं, ऐसे रिलेट कर सकते हो, अमूल के रेट जो है वो आजकल क्या कर रहे हैं, सुधर रहे हैं, इस तरीके से रिलेट कर लेना। नेक्स्ट अपने पास फॉर्मर, अगर आपको डिटरमिनर याद है तो ये फॉर्मर भी याद होगा, डिटरमिनर्स पढ़े थे ना अपने, आर्टिकल्स और डिटरमिनर, तो मेरे हिसाब से आप बता सकते हो फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब क्या होता है, दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला, दो में से पहले वाला। अब बता दो भी, लेटर किसे कहते हैं, बाद में, कई बार बातचीत कर चुके अपने, लेकिन टाइम के लिए, समय के लिए, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं, ठीक है ना, ये लेटर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। दो में से बाद वाला, ये हो गया दो में से बाद वाला। एक लेटर ये होता है, LETER, ये क्या होता है, ये तो पत्र होता है, सभी जानते हैं। एक लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, नवीनतम होता है, एक लेटेस्ट होता है जिसका अर्थ क्या होता है, नवीनतम होता है। कई बार आ चुकी है अपने सामने ये चीजें, भूल मत जाना इनको किसी भी हालत में। तुरंत चलते हैं नेक्स्ट पे, रूथलेस, माइंडफुल, कंपनसेट या मैजेस्टिक या मर्सीफुल। रूथलेस जिसमें दया का कोई भाव नहीं होता हो, उसे बोलते हैं भाई। रूथलेस किसे बोलते हैं, जिसमें कोई दया का भाव नहीं रहता उसे बोलते हैं। बता दो क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे बनेगी, सीधा सीधा जैसे रूथलेस जो निर्दयी होता है, मर्सीफुल का मतलब जिसमें दया रहती है, रूथलेस का मतलब आप ये कह सकते हो निर्दयी, और ये क्या हो गया, दया, सीधी सीधी फॉर्मेशन है। डर्थ, बहुत गजब का मीनिंग है, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं पहले ही, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। डर्थ, डर्थ का मतलब ही क्या होता है, कमी को बोलते हैं, डर्थ का मतलब होता है कमी, आने लायक है मीनिंग। एक्स्ट्रावेगेंस तो अभी वो फिजूल खर्ची से रिलेटेड आया था, स्केयरसिटी कमी, अबंडेंस प्रचुरता, सफिशियंसी पर्याप्त मात्रा, बताओ कौन सा आंसर बनना चाहिए अभी। कमी, अभाव, कमी कह लो, अभाव कह लो, अब कहीं तो सफिशियंसी पर्याप्त, अबंडेंस प्रचुर मात्रा, अब कमी अभाव नहीं है, प्रचुरता में है कोई चीज, प्रचुरता में कोई बात हो उसे बोलते हैं। स्केयरसिटी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है, हार्डली स्केयरसिटी रख देना अपनों ने, एक्स्ट्रावेगेंस फजूल खर्ची यही पीछे अपने सामने आया 176 में बहुत सारे साथी सफिशियंसी पे गए हैं। सफिशियंसी का मतलब क्या निकल कर आता है, सफिशियंट, पर्याप्त होना, वहां कमी अभाव है, और उसका ठीक एंटोनिम क्या बनता है, वो प्रचुर मात्रा में, मतलब कोई कमी नहीं है, प्रचुर मात्रा में, ये तो पूरा पूरा, सफिशियंट का तो मतलब क्या था, पर्याप्त, ये पर्याप्त नहीं है, ये प्रचुर मात्रा, उसका उल्टा ये बना, ध्यान रखिएगा। कई सफिशियंसी पे गए हैं दोस्त, गड़बड़ कर दी, हिंदी अर्थ नहीं समझ पाया। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट, वापिस से आपसे ऑपोजिट ही पूछ रहे, बता दो भी, कीन, कीन का मतलब क्या होता है, बता दो तुरंत ही। याद है आपको कीन के बाद मैंने एक प्रेपोजिशन भी आपको शेयर करी थी, तुरंत बताओ फिर बात करते हैं। कीन का मतलब होता है उत्सुक, कीन का मतलब होता है उत्सुक। अब देखो, रोग का मतलब दुष्ट होता है, आर्डेंट का मतलब जोशीला होता है, जोशीला भी कह सकते हो, उत्सुक भी कह सकते हो, उत्सुक भी कह सकते हो। शुड का मतलब तेज को बोलते हैं, शुड का मतलब तेज, नॉलेजेबल भी कह सकते हो, प्रूडेंट भी कह सकते हो, समझदार को भी बोलते हैं प्रूडेंट। तो सीधी सीधी बात है, उत्सुक जो डल है, कोई उत्सुकता नहीं है किसी भी काम को करने की। कीन के बाद याद रखना, कीन के बाद ऑन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ पैटर्न बनता है, हर हालत में ध्यान रखना। ही कीन्स ऑन गोइंग देयर, वो वहां जाने को लेकर उत्सुक है, उत्साही है, ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, कीन एक्साइटेड, एकदम सही भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो आंसर आपने कौन सा टिक लगाना है इस पे, डल, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं, वैनक्विश। एक बार पहले भी ये मीनिंग आया था, वैनक्विश का मतलब मैंने आपको कहा था जीत लेना, किसी पर अधिकार कर लेना, काबू कर लेना, किसी को जीत लेना। देख लो कौन सा आंसर हो जाना चाहिए इसका। एंटोनिम बताना है, वो ऑपोजिट बताना है इसका, वैनक्विश। देखो सीधा सीधा है, सरेंडर। डिबेस का मतलब क्या होता है? डिबेस, डिबेस का मतलब ये होता है, देखो मूल्य गठन, मूल्य गठन। अच्छा मीनिंग है डिबेस, मूल्य गठन। डेप्रिशिएट कह सकते हो आप, डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएशन होता है ना, मूल्य घटता रहता है, उसे बोलते हैं। वैनक्विश का मतलब क्या हुआ? विजयी होना। वैनक्विश, रून का मतलब बर्बाद होता ही है, उनका मतलब हुआ बर्बाद। नॉलेज, ये तो कितना सिंपल है, ये तो गड़बड़ मत करना भाई। नॉलेज का मतलब क्या होता है? सारे जानते हैं आप, ज्ञान। बता दो इसमें कौन सा आंसर होगा इसका आपका, पीछे क्वेश्चन का नंबर लगाना भाई। इग्नोरेंस होगा, इलिटरेसी होगा, फुलिशनेस होगा, बैकवर्डनेस होगा, क्या फॉर्मेशन बनेगी? लो बताओ, इसमें गलती करके कहीं तो। अरे सीधा सा आंसर है इग्नोरेंस। ज्ञान का क्या बन जाएगा? उल्टा अज्ञान बन जाएगा। कहीं इसमें ही गलती कर गए भाई, ज्ञान का अज्ञान बनेगा, सीधी सीधी बात है। कहीं इसमें इलिटरेसी कह रहे, वो अशिक्षित होता है इलिटरेसी। नॉलेज का मतलब शिक्षा होता है क्या? नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, और अज्ञान को इग्नोरेंस बोलते हैं जिसके कोई ज्ञान नहीं है। इलिटरेसी का मतलब अशिक्षा, जिसके पास शिक्षा नहीं है। कमाल ही कर गए। स्ट्रिंगेंट, ओ स्त्री कल आना, याद है मैंने ऐसी स्टोरी बनाई थी कठोर से। स्ट्रिंगेंट का मतलब क्या था? कठोर। ओ स्त्री कल आना, मूवी, मूवी से रिलेट किया था। स्त्री जो है वो जेंट, जो स्त्री है वो जेंट्स पे क्या रहती है? कठोर रहती है, ठीक है ना। क्या आंसर बनेगा? उल्टा बताना, ये थोड़ा ध्यान रखना, एंटोनिम के बारे में बातचीत चल रही है। तुरंत बता दो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। दो मीनिंग है जिनके आंसर तो जो है ना उदार से है, ये भी उदार है। लीनियंट का भी मतलब उदार होता है, ये तो दोनों अपने बने उदार। अब बता दो, इग्नोरेंस याद नहीं होता, बढ़िया बढ़िया बात है भाई। वेमेंट किसे कहते हैं? क्रोध की भावना को बोलते हैं वेमेंट, क्रोध की भावना, क्रोध की भावना, या प्रचंड भी कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? प्रचंड को बोल सकते हैं, उग्र को बोल सकते हैं। ये सारे फॉर्मेशन इसी के बनते हैं वेमेंट के। तो स्ट्रिंगेंट कठोर, क्या आंसर होगा आपका भाई? बिल्कुल भैया, लीनियंट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, मिटिगेट। पहले भी आ चुका है, अब तो रिलेट कर जाओ। मिटिगेट बता दो, एंटोनिम क्या होगा? मिटिगेट मीनिंग आपको मैंने पहले ही कहा था। स्टैग्नेट किसे कहते हैं? स्थिर को बोलते हैं, स्थिर को बोलते हैं स्टैग्नेट, स्थिर। एक तरीके से इसे इनएक्टिव भी कह सकते हो आप, इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, स्थिर है। अब बता दो, इंस्टिगेटर है, इंस्टिगेशन होते हैं ना। इंस्टिगेट का मतलब किसे कहेंगे? भड़काने को, भड़काना। तो मिटिगेट स्टैग्नेंट होगा, सफर होगा, एग्रेवेट, सीधा सीधा मीनिंग निकल कर आ रहा है। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना, वो कम करना। ये क्या था? कम करना, घटाना, कम करना या फिर घटाना। और ये क्या हो गया? अपने आप में ही ये हो गया, घटाना, कम करना। और एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना। ग्रेविटी से याद कर लेना भाई इसको, ग्रेविटी से। ग्रेविटी जो है वो बढ़ती चली जाती है, इस तरीके से रिलेट करके इसे आप याद कर सकते हैं। सुपीरियस, बहुत ही आसान है इसे याद करना। सुपीरिया करके एक साबुन आती है ना, सुपीरिया साबुन, आप बस सुपीरिया साबुन से याद कर लीजिएगा। सुपीरिया की स्पेलिंग वैसे अलग होती है, पर अपने मीनिंग याद करना है। सुपीरिया की जो साबुन है वो क्या है, आप ये मान के चलिए वो नकली है। वो क्या है? फेक है, फेक है, नकली है, बोगस है, नकली कह लो। अब देख लो, फॉल्स होगा, जेन्युइन होगा, सिंपल होगा, सिस्टमेटिक होगा। सिंपल सा आंसर है भैया, तुरंत बता सकते हो। देखते हैं, फॉल्स, ये तो फॉल्स तो होगा नहीं, सिंपल आसाम, सिस्टमेटिक होने नहीं, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब बिल्कुल जो नकली चीज़ नहीं है, जो सच हो, असली बात हो रही हो। फॉल्स,
अरे फॉल्स सिनोनिम बता दिए भाई, और मैगी जी स्पेलिंग भी गलत लिख गए आप, पर कोई बात नहीं। सुपीरियस का मतलब जेन्युइन होगा, स्पीरियस का मतलब फेक नकली होता है। ये एंटोनिम्स चल रहे हैं अपने, अब एंटोनिम की बातचीत चल रही है यहाँ पे सारी की सारी। नेक्स्ट पे चलते हैं, मलाइस। पहले भी अपने पास ये शब्द कई बार आ चुका है, एंटोनिम बताने आप सभी साथियों ने, बता दो तुरंत ही। मलाइस का मतलब दुर्भावना को बोलते हैं, इलविल को बोलते हैं, आप एक तरीके से क्या कह सकते हो, इलविल। तो साफ साफ ये आंसर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो आपको तुरंत बता दो क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे बनेगी। बहुत ही बढ़िया भैया, गुडविल। इलविल का उल्टा ही क्या हो जाने वाला है, गुडविल हो जाने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, दुर्भावना को बोलते हैं मैमथ, डल, वीक, टाइनी, ब्राइट, मैमथ। विशाल काय को बोलते हैं मैमथ, मैमथ किसे बोलते हैं, विशाल काय को बोलते हैं मैमथ, विशाल काय। तो डल होगा, वीक होगा, टाइनी, सीधी सी बात है, टाइनी इसका आंसर होएगा एकदम ओके। अमालगमेट, एक बार पहले भी आया था, और मिस स्पेल्ड के हिसाब से जरूर याद रखिएगा इस मीनिंग को, मिस स्पेल्ड के हिसाब से हर हालत में आपके याद रहना चाहिए भाई। अमालगमेट का मतलब क्या होता है, मिश्रण कर लेना, इसका मतलब क्या होता है, मिश्रण। अब मिश्रण का ठीक उल्टा एंटोनिम कौन सा बनेगा, जनरेट नहीं होगा, रिपेयर नहीं होगा, मेटेरियलाइज नहीं होगा, सेपरेट, अलग करना, मिश्रण, और ये हो गया सेपरेट करना, अलग करना, ये आपके आंसर की फॉर्मेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब भी क्या होता है, धीरे धीरे, या एनिमिक तौर पर भी अपने कह सकते हैं। तो देख लो भाई, सडनली होगा, हैस्टली, हैस्टली मीनिंग अपने पास पहले भी आ चुका है, सडनली हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर है सडनली। अच्छा, ये इंपल्सिव का क्या मतलब होता है, बिना विचार किए, इसका मतलब क्या होता है, बिना विचार करे, अच्छा मीनिंग है ये, बिना विचार किए। इंपल्सिव पीपल, कुछ लोग होते हैं ना इंपल्सिव पीपल, जो इंपल्सिव, कुछ लोग होते हैं इंपल्सिव होते हैं, इंपल्सिव का मतलब बिना विचार के कोई भी काम कर लेते हैं, वो बाद में रिग्रेट करते हैं किसी भी चीज का। कई बार हम बिना विचार के किसी को कुछ कह लेते हैं, कोई बात बोल देते हैं, इंपल्सिव, इंपल्सिव का मतलब होता है बिना विचार करे हुए जो लोग रहते हैं वो बाद में रिग्रेट करते हैं, बाद में पश्चाताप करते हैं, इस तरीके से रिलेट कर लो, इंपल्सिव अच्छा मीनिंग है। कई बार ये देखा जाता है इधर उधर लिखा हुआ, काम आएगा भी आपके। एक्सटीरियर, साफ साफ ये भी मेरे हिसाब से, एक्सटीरियर मतलब बाहरी, इंटीरियर का मतलब अंदर ही, फिर भी देख लेते हैं। रैपिड, हाँ रैपिड हो सकता है अभी, रैपिड का मतलब तेज होता है, बहुत सही कह रहे हो आप, रैपिड का मतलब क्या होता है, तेज होता है। तो एक्सटीरियर बाहरी और इंटीरियर अंदरूनी जो बात होती है, ठीक है ना, रैपिड, बिल्कुल रैपिड हो सकता था भाई। डियर, डियर का मतलब आज ही आपने देखो, ऐसे रिलेट अगर कर लेते हैं ना, जो रेगुलर तरीके से बातों को सुन रहे हैं समझ रहे हैं वो तो रिलेट कर जाए। डियर का मतलब मैंने कहा था कॉस्टली, महंगा, तो महंगे का उल्टा देख लो, चीप होगा, वर्थलेस होगा, फ्री होगा, या प्राइसलेस होगा। बहुत ही क्लोज मैंने ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं, बता दो क्या फॉर्मेशन बनेगी, कैसे बनेगी। सस्ता, चीप, ये बन जाएगा इंटीरियर आंतरिक, एकदम ओके। कल्प्रिट, बहुत अच्छा मीनिंग है कल्प्रिट, अपराधी, कौन है मेन कल्प्रिट, बहुत बार यूज करा जाता है, बेसिक अगर आप बात करो रीडिंग स्किल्स में कितनी बार ये सामने लिखा रहता है, कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट कौन है, मेन अपराधी कौन है, जिसने किस काम को कराओ, ज्यूरी, विटनेस, एक्यूज्ड, या विक्टिम, विक्टिम का मतलब भी क्या होता है, दोषी कोई बोलते हैं, तो आंसर क्या आएगा भी, मेन विक्टिम का मतलब पीड़ित, जो मेन जो पीड़ित हो, दोषी नहीं पीड़ित, और यही इसका आंसर हो गया। एक तो अपराधी और एक पीड़ित है जिसके ऊपर, जिसके जिस पर बीती है बात। एक्यूज का मतलब दोषी होता है, एक्यूज के साथ बेसिकली ऑफ प्रेपोजिशन भी आता है ना, एक्यूज ऑफ, दोषी कोई बोलते हैं। विटनेस गवाह को बोलते हैं, विटनेस क्या होता है, गवाह। एक्यूज का मतलब खुद जो दोषी रहता है, अक्यूज्ड, दोषी, तो ये पीड़ित हो जाएगा। विक्टिम, विक्टिम का मतलब जिसके ऊपर कोई पीड़ा हुई है और वो पीड़ा करने वाला कल्प्रिट, मेन अपराधी, ये फॉर्मेशन बन जाएगा। चाइल्ड, अच्छा मीनिंग अभी, चाइल्ड दिमाग में रखिएगा, चाइल्ड, एक बार मीनिंग पहले भी चाइल्ड आ चुका था। रेप्रीमेंड मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, रिब्यूक बताया था, रिब्यूक का मतलब डांट लगाना, डांटना, रिब्यूक का मतलब क्या था, डांटना। एंटोनिम देख लो भी, प्रेज करना, फियर, क्रिटिसाइज, या फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब तो क्या था, सी ए जे ओ एल ई, कैजोल, साइकोफेंट, चापलूसी, ये तो क्या था, चापलूसी को बोलते हैं, तो सीधा सीधा आंसर है। चाइल्ड का मतलब तो डांटना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, ज्यूरी, जज को बोलते हैं, बिल्कुल। हुडलूम, क्रिमिनल, राउडी, गैंगस्टर, बहुत बढ़िया भाई, सबके सब क्रिमिनल से रिलेटेड थे।
चूज द वर्ड ऑपोजिट, एंटोनिम पूछ रहे अभी आपसे, व्रेथ बताओ भी, व्रेथ मीनिंग पहले बताया हुआ है, अगर आप रिलेट करोगे तो सीख जाओगे व्रेथ का क्या मतलब बनेगा, कैसे बनेगा भी। व्रेथ का मतलब तो गुस्सा होता है, व्रेथ का मतलब तो क्या होता है, गुस्सा। गुस्से का ठीक उल्टा मीनिंग आपको कौन सा लग रहा है, सोलेस, पीस, डिलाइट, क्या लग रहा है देख लोगे, डिलाइट हो गया। कॉलर किसे कहते हैं, गले का पट्टा, गले का पट्टा, कॉलर से याद कर लो इसको, तो कॉलर का मतलब भी कहते हैं, कॉलर के साथ जोड़ा रहता है ना गले का पट्टा। और एंगर को भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एंगर को, कॉलर अपने आप में ना एक मीनिंग और भी होता है इसका, एंगर अच्छा मीनिंग है, काम आ जाए कल को। कॉलर पकड़ लिया आपने किसी की, मतलब गुस्सा आ गया सामने वाले, कॉलर पकड़ लिया आपने, उससे रिलेट कर लो कॉलर से। रैथ, रथ यात्रा निकाली थी एक बार, उससे रिलेट किया था, अपनों ने कहानी बनाई थी इसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं, बॉयस्टरस, बोस से याद करवाया मैंने आपके मीनिंग, बॉयस्टरस। उग्र को बोलते हैं, प्रचंड को बोलते हैं, उग्र प्रचंड, उग्र को प्रचंड को बोलते हैं। बढ़ा चढ़ाकर बात करने को भी बोलते हैं, सीधी सीधी बात है। काम शांत, काम का क्या मतलब हुआ, शांत। काम से रिलेटेड कुछ मीनिंग थे अपने पास, पी एल ए सी आई डी, प्लेसिड, याद है ना अपने को, पी एल ए सी आई डी, प्लेसिड याद रखना। सेरेने, एस ई आर ई एन ई, सेरेने, ये सब किससे रिलेटेड थे, शांत से रिलेटेड थे। डेबोनायर बता दो तुरंत, डेबोनायर किसे कहेंगे, खुश मिजाज को बोलेंगे, चार्मिंग को बोलेंगे, डेबोनायर चार्मिंग, खुश मिजाज कह सकते हो आप, चार्मिंग कह सकते हो। तो वरीड होगा, पेंसिव, पेंसिव मीनिंग बहुत जबरदस्त है भाई, जरूर आपको याद रहना चाहिए पेंसिव। चिंताग्रस्त, पेंसिव का मतलब क्या होता है, चिंताग्रस्त, बहुत अच्छा मीनिंग है पेंसिव। ग्रिम का मतलब भी सीधा सीधा दुख से रिलेटेड होता है, ग्रिम का मतलब भी क्या होता है, दुख से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, गंभीर से रिलेटेड होता है, गंभीर कह सकते हो, चिंता से कह सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डेबोनायर चार्मिंग की क्या फॉर्मेशन बजे, एंटोनिम बताने आपने, ये ध्यान रखिएगा। सीरियस नेक्स्ट मीनिंग है और आज का लास्ट मीनिंग है भाई, सीख जाओ। टेंटेटिव, आज भी यूज किया था मैंने टेंटेटिव, और टेंटेटिव का मतलब था अस्थाई, टेंटेटिव का मतलब था अस्थाई। टेंट वगैरह लगते हैं शादी ब्याह में, कैसी फॉर्मेशन में लगते हैं भाई, अस्थाई तौर पर लगते हैं। तो क्या हो जाएगा, इमीडिएट तुरंत होता है, अर्जेंट और डेवलप्ड, ये सारे आप बेसिकली मीनिंग जानते हो। अस्थाई का क्या बन जाएगा, फाइनल, ये फॉर्मेशन बन जाएगी। तो कुछ एंटोनिम्स आपने देखे, कुछ सिनोनिम्स देखे, उम्मीद करता हूँ बातों को तरीके से आपने समझा होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में भी खास खास बातें, जैसे आज नाउन के बारे में बताई थी, रिकॉल करना जरूर। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, सॉलिड तरीके से तैयारी करते रहना है। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।